टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम बैक खवातीनों हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और गरम गरम कॉफी का कप हाथ में। एक अच्छी सी सुबह, एक अच्छी सी सोच, फुल ऑफ एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा इंफोटेनमेंट ताकि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, अच्छी तरह से जी सकें और हर उस चीज़ के बारे में आपको आगाही मिले जिसके बारे में आगाही आपको नहीं मिली। और आप जिस तरह जानते हैं कि टीवी वन का मकसद हमेशा से रहा है कि वो वबाएं जो कि पाकिस्तान को इनसर्कल करती हैं, वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है उनसे किसी तरह निजात पाई जाए, आपको आगाही दी जाए ताकि आप वो सारे प्रॉब्लम्स का हल खुद घर बैठे तलाश कर सकें। जिस तरह हम पानी पे बहुत फोकस करते हैं, पानी एक ख़जाना है और उसको हम सबको मिलके बचाना है। आप नहीं जानते पानी कितनी तेज़ी से कम हो रहा है और उसके साथ साथ एक बीमारी है पोलियो जो कि इस मुल्क से ख़त्म नहीं हो पा रही है। अगर एक पेशेंट भी है तो भी इस मुल्क में पोलियो है कंसिडर किया जाएगा और एक पेशेंट वो है जो कि रिपोर्ट हो रहा है। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि आज पोलियो पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। सामने डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब लुकिंग वेरी हैंडसम बाय द वे। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पोलियो की वैक्सीन कितनी सेफ है, कितनी महफूज है? लोगों के प्रीकंसीव जो नोशंस हैं जो पहले से सोच के बैठे हुए होते हैं वो कितने गलत? पोलियो, पहले तो ये समझो कि पोलियो है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि पोलियो, लोगों को पता ही नहीं कि पोलियो है क्या। पोलियो होना एक लापरवाही है, एक तबाही है, एक हमारी कौम के लिए और एक घर में जिसके घर में पोलियो हो गया है उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है। मतलब एक बॉम है कि उसके घर में एक पोलियो हो गया। क्यों हो गया? सिर्फ एक दो बूंद ना पिलाने पे। और उसको मैं हमेशा कहता हूँ लापरवाही, या फिर आगाही की कुछ कमी, या मिसपरसेप्शंस, मिथ्स, अलग अलग चीज़ें कुछ एरियाज़ में है, ऐसी हैं जिसकी वजह से स्टिल पाकिस्तान इज़ द ओनली वन लेफ्ट इन द होल वर्ल्ड, स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम पोलियो। एक वाहिद मुल्क, क्यों? एक वाहिद मुल्क सिर्फ क्यों? यानी एक अल्फाज निकाला जाए दिल से जी, कि क्यों कि क्यों क्यों हमारे बच्चे? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ही अकले कुल समझने लगे हैं कि हमें सब पता है। ऑफकोर्स कई दफ़ा उसमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं इस पर कि कुछ लोगों को इन चीज़ों से बड़ा होता है कि यार दे आर वेरी स्क्वेजल्ड के जिस डेट पे डॉक्टर ने वैक्सीन लिखी हुई उस डेट पे आना है, वैक्सीन करवानी है। बट स्टिल कुछ लोगों का तो यह है कि नहीं, नो टू वैक्सीन स्टिल इन अर एरियाज ऑल्सो। यानी हमारे कराची के अंदर भी कुछ अच्छे इलाकों में अच्छे लोग भी पोलियो और अदर वैक्सीन को भी नो बोलते हैं। आज हम आप सोचो कि जितनी भी बीमारियों से हमने कवर किया है, आप डिप्टेरिया ले लो, पर्ट्यूसिस ले लो, टेटनस ले लो, ट्यूबरक्लोसिस हमारे मुल्क से बहुत कम हुई, exactly. ठीक है, फिर चिकन पॉक्स हमने कम किया, हेपेटाइटिस ए कम किया, हेपेटाइटिस बी कम किया, सिर्फ किसकी किस से? सिर्फ वैक्सीन से, नथिंग एल्स। कोविड भी हमने सिर्फ और सिर्फ लड़के ख़त्म किया सिर्फ वैक्सीन से, नो डाउट। स्टिल एक हमारा मुल्क ही था जिसमें कार्ड्स बने और वैक्सीन नहीं भी लगी हैं कई लोगों को, लेकिन स्टिल उनके साथ आगे क्या हुआ वी डोंट नो, बट स्टिल तब भी 75% आवाम ने वैक्सीन लगवाई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? पोलियो, देखें पोलियो हो गया, एक तो पोलियो आया और इसको पहले ये देखना है कि 2 days बिफोर पोलियो आने के और 5 days आफ्टर एक इन्फेक्टिविटी पीरियड है जो पूरे इलाके को पोलियो कर दे सकता है। जितना इसका इंसानी फजला उस स्टूल से जाएगा पूरे शहर में या कहीं भी, वो पोलियो फैलाता जाएगा। जहाँ जहाँ वो पानी की मिकदार पी जाएगी या कुछ भी किया जाएगा तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो इन्फेक्ट करेगा। पोलियो 3 किस्म के होते हैं, पहले पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3। पोलियो 1 में कुछ भी नहीं होता, हल्का सा नज़ला खांसी हुआ और ठीक हो गया। पोलियो 2 हल्का सा बुखार हुआ, पाँव में थोड़ी सी, हाथ में वीकनेस हुई और ठीक हो गया।
थर्ड उसने स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया, जहाँ वो डैमेज किया और इंटेस्टाइन से होते हुए वो पूरे दिमाग में हमारे पूरे पीछे रीढ़ की हड्डी पे पहुंचा, उसने हमारे ब्रेन को डैमेज किया, हमारे एक पांव या एक हाथ या दोनों पांव, दोनों हाथ या दोनों पांव और एक हाथ, इस तरह डैमेज कर दिया हो गया। इसके बाद आपको ये देखना है कि 2 वीक्स तक तो उसको सेपरेट रखना और किसी से मिलने नहीं देना, क्योंकि ये कॉन्टेजियस बीमारी है और ये लाइलाज है। और इसके बाद बच्चा जो है, आप जब असली दुनिया में आएगा 2 वीक्स बाद, उसके बाद के बहुत सारे मसाइल हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बहुत छोटी सी बात, आई वांट अ क्विक आंसर, कि वो वाला पोलियो के कतरे क्या होते हैं जो कि अडल्ट को पिलाए जाते हैं जब वो हाल उम्र पर जाते हैं? वो कुछ भी नहीं होता, वो पोलियो ही होता है, बट वो सिर्फ एक प्रिकॉशन ही होता है। पोलियो भी हिट कर सकता है, मतलब यू नो अगर कोई 40-45 का नहीं, कभी भी हिट नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए पिलाते हैं कि पोलियो हिट ना करे। पोलियो किसी को लग के, कॉन्टेजियस बीमारी है ना, तो पोलियो वायरस है। अच्छा, आपको तो असर नहीं करेगा, शायद आपकी वजह से किसी को लग सकता है। इसलिए तीन हजरात आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल करके अगर आप पोलियो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। जस्ट कॉल अस। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मैं जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम आपको आगाही दे रहे हैं पोलियो के बारे में। हेल्पलाइन का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये हेल्पलाइन जो है ये 24 घंटे एक्टिव है। अगर आप पोलियो के मुतालिक कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पता हो और आप उसके बारे में श्योर ना हो, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी श्योरिटी कर सकते हैं, वो चीज़ जान सकते हैं और अपने बच्चों को पोलियो से बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं पोलियो के खतरे कितने सेफ हैं? क्योंकि एक जो प्री कंसीव नोशन होता है कि ये आपकी जो रिप्रोडक्शन की सलाहियत है वो शायद कम कर सकता है, कुछ कर सकता है, जो ऑल फॉल बातें मशहूर हुई हैं, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। एक तो पहले ये आपको बताऊं, पोलियो की कंपेन कब शुरू हुई? 1974 में। और उस वक्त की पॉपुलेशन वॉज 65 मिलियन, और आज है 2022, आज की पॉपुलेशन पोलियो पिलाया जा रहा है। पोलियो के सिर्फ 3 केसेस आए हैं, पूरे मुल्क पोलियो पे ड्रॉप्स पी रहा है। शायद आपके भी घर के बच्चों ने पिया है, मेरे घर के बच्चों ने किया, आपने भी पिया है, मैंने भी किया, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और कौम बढ़े जा रही है। इसका आंसर यही है, बड़ा वजाहत से है कि ये कुछ इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करवा रहा है। बिल्कुल, दैट्स द सिंपल आंसर, कि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि इससे कुछ नहीं होता, जैसे मिथ मिसपरसेप्शंस। पोलियो कभी नुकसान नहीं देता, पोलियो बार बार पिलाने से इम्यूनिटी रेज होती है, नुकसान नहीं कर सकती। कोई भी वैक्सीन आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वो आपकी एंटीबॉडीज डेवलप करती है अगेंस्ट योर इन्फेक्शन। तो आप आराम से कोई भी वैक्सीन बिला झिझक बार बार करवाएं, कोई इश्यूज नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला है जो कि सुनने में आता है फेक मार्किंग का, जो गलत मार्किंग कर लेते हैं हाथ पे, उसके बारे में बताइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोग आजकल कर रहे हैं। उनको पता होता है कि EPI के नंबर तो लिखे हुए होते हैं दरवाज़ों पर, लेकिन स्टिल वो भी हटा देते हैं, या वो दूसरा अपने चौक से लिख देते हैं, या वो पुराना वाला नंबर हटा के आगे पीछे कर देते हैं। दूसरा, मार्किंग हमेशा पोलियो के जो मार्किंग मार्कर होता है वो परमानेंट होता है, वो आप किसी भी चीज़ से हटा नहीं सकते। उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो आप जो दूसरे ब्रांड का मार्कर आप लेते हैं उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो फौरन हट सकता है। तो इसको एक देखना है, एक तो पोलियो वर्कर्स को हम सिखा देते हैं कि ये चीज़ जब भी मार्किंग हो तो आपको ये मार्किंग निकाल के देखनी है, हटा के देखनी है कि ये मिट तो नहीं रही है, वो मिट जाती है फौरन, वो या तो लाइट हो जाएगी। पोलियो वाली मार्किंग कभी भी नहीं हटेगी। जो लोग करते क्यों हैं कि पोलियो नहीं पिलाना, रिफ्यूज़ल है, उसमें स्पेशली मर्दों का रोल ज़्यादा है जो घर में होते हैं, और स्पेशली उन एरियाज़ में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हमारे जो जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ कहते हैं उसको, अर्बन में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन स्टिल अर्बन में भी हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं, नॉर्दर्न साइड पर ज़्यादा हैं, जहाँ पर रिफ्यूज़ल ज़्यादा हैं,
वहाँ पे मार पिटाई ज़्यादा होती है, पोलियो को वर्कर्स को मारते हैं। तो एक तो मेहनत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए इतनी बड़ा इकदाम उठा रही है, और सिर्फ क्यों उठा रही है? एहतियात, सेहत और अच्छी कौम बनाने के लिए। बिल्कुल, सिर्फ एहतियात करना है, लापरवाही से बचना है और सेहतमंद कौम बनानी है। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, पोलियो का जो अमला बार बार कतले पिलाने घर आता है, उसको बहुत सारे जो लोग हैं वो वेलकम करते हैं, कुछ वेलकम नहीं करते, तो क्या वो बार बार उनके घर दोबारा जाते हैं? ऑफकोर्स बार बार जाना चाहिए। अब तो रूल ये बन गया कि एक पुलिस की टीम भी साथ होती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की टीम भी साथ होती है और साथ में पोलियो वर्कर्स भी होते हैं। तो पोलियो की एक बहुत बड़ी कैंपेन के साथ किया जाता है। अच्छा, पोलियो को बहुत इंपॉर्टेंटली इसलिए लिया जाता है हर जगह पे, क्योंकि एक पोलियो 500 बच्चे या 5000 बच्चों को पोलियो करा सकता है, एक बच्चा। मतलब इतना बड़ा ख़तरनाक कंटेजियस इन्फेक्शन है। अब आप सोचिए कि ये पोलियो है, अब पोलियो तो ये बाकी तो सारी चीज़ें इलाज काबिल हैं, सारी इलाज हो सकती है, लेकिन पोलियो तो इलाज हो ही नहीं सकता, ला इलाज मर्ज। बिल्कुल, उसमें अगर आप पैरालिटिक हो गए इसके बाद आपका कोई इलाज नहीं है, इसके बाद तो सिर्फ आपको बैसाखियों पे सहारा लेना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कोई मैसेज आप वालदैन को देना चाहेंगे पाकिस्तान के? पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अच्छी कौम, सेहतमंद कौम बनाने के लिए सिर्फ दो बूंद पाकिस्तान के लिए ना पिलाएं, ये हमारे मुल्क के लिए नाइंसाफ़ी है। तो प्लीज़ दो बूंद पाकिस्तान के लिए ज़रूर पिलवाएं। थैंक यू वेरी मच जी। ख़वातीन और हज़रात, ये इतने पते की बात इस वक्त डॉक्टर साहब ने कही है कि पाकिस्तान के लिए भी आप एक कौमी फरीज़ा आप लोग निभा रहे होंगे। अगर आप अपने बच्चों को पोलियो से बचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो ऑफकोर्स आप बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता पोलियो उसको हिट करता है, सारी उम्र की, सारी ज़िंदगी की एक एलिमेंट, सारी ज़िंदगी की एक मोहताजी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आप सही तरह से नहीं सोच रहे। अपनी सोच को बेहतर कीजिए। ये हेल्पलाइन का नंबर है, ये फ्री है, आप इसको कॉल करके आप जान सकते हैं कि पोलियो कैसा मर्ज़ है। अगर जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, जितने भी लोग आप जानते हैं जिनको, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, नौमौलूद बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आप उनको प्लीज़ जाके ये ख़ुद पता कीजिए। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका कौमी फरीज़ा है कि आप पता कीजिए कि क्या उन बच्चों ने पोलियो के कतरे लिए हैं, पिए हैं, या वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। क्योंकि खुदा ना खासा अगर ये वबा, अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये बीमारी किसी फैमिली में आ गई, तो सारी ज़िंदगी का दुख, सारी ज़िंदगी का पछतावा और एक सारी ज़िंदगी की मोहताजी आ जाएगी। आई एम श्योर कि कोई भी वालदैन अपने बच्चों को इस हालत में देख के खुश नहीं होते। हम सारी ज़िंदगी काम किसके लिए करते हैं? आप लोग जितने भी लोग इस वक्त अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, जो ख़वातीन इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, आप लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे, अपने घर वालों के लिए कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ये एक आप बर वक्त, एक आपको कॉन्शियस डिसीजन ये लेना है कि बर वक्त अपने बच्चों को आप पोलियो के कतरे पिलाइए और उनको इस मौलिक बीमारी से उनकी जान छुड़ाइए, उनको बचाइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। आपको और भी अब शोज के लिए हम परेशान करते रहेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़े, कल मुझे एक मैसेज आया हमारे फिल्म स्टार नदीम साहब का, जिन्होंने हमारे शो को सराहा, मेरी तारीफ़ की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एक बड़े लेजेंड हैं हमारे मुल्क के। और इतने बड़े एजाज़ की बात है कि जब इतने बड़े स्टार, इतना बड़ा नाम एक पज़ीराई करता है, एक तारीफ़ करता है, हमारा हौसला और हमारा जज्बा और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। एक बैंग नदीम साहब के लिए। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, आप लोगों ने एक चीज़ आजकल बड़ी सुनी होगी और देखी होगी और ऑब्ज़र्व की होगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहीं कहीं आपको छींकों की और खांसियों की आवाज़ आ रही होती है और बात बात में गला खुश्क हो जाता है और एक मिनट, इस तरह की चीज़ें आप लोगों की नोट कर रहे होते हैं। आज इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल होने वाला है, लेकिन आपको हमारी जो आज की डॉक्टर हैं, इनकी खूबसूरती को देख के आपको ज़रा सा भी वो नहीं होना कि आप डगमगा जाए, सिर्फ देखते रहें, आपको आज इनको सुनना भी है। हमारे साथ मौजूद हैं आपके दिल की धड़कन डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़ मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, ये बात मान लें देख लें, मान लें इस बात को डॉक्टर साहब। आज आप ये जो वायरल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला खुश्क हो जाना, डॉक्टर साहब ये पहले तो सिर्फ हम लोग सुनते थे कि सर्दियों में होता है,
ये गर्मियों में भी अब शुरू हो गया होगा। अब तो वायरल फीवर इतना तेज हो रहा है, सिर्फ शूट कर जाता है फौरन ही 103-104 तक। और डॉक्टर साहब वो टूटता कैसे? उसके अंदर भी लोग बहुत सारी ऑल फॉल रेमेडी शुरू हो जाते हैं, एकदम से कहते हैं कि वो ठंडी पट्टियाँ रखो, पैर घिसना शुरू कर दो। अच्छा देखिए, सबसे पहले बुखार के लिए तो उसका एंटीडोट ये कि आप नहा लो, या मतलब के जो है ठंडी पट्टियाँ रखनी चाहिए ताकि टेम्परेचर कम नीचे हो। अच्छा आपने क्या अंडर आर्म्स ज़रूर रखिए पट्टियाँ, उधर से बुखार बहुत जल्दी ख़त्म होता है। गर्दन पे आपने रखना है, पाँव पे रखना है, ये चीज़ें तो आपने करना है। आपके कपड़े कॉटन के होने चाहिए, रेशमी कपड़े, और ग़ज़ाएँ चेंज करें। इस मौसम में भी आप वही ग़ज़ा खाते हो जो आप सर्दियों में खाते थे, वो नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो ये। और दूसरी कुछ हर्बल रेमेडीज़ हैं जो सदियों से यूज़ होती आ रही है और उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसमें जैसे आपने थ्रोट इन्फेक्शन का कहा है, तो इसका तस्करा तिब्बे नबवी में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसका मैं मफहूम बयान कर रही हूँ कि तुम जो इलाज करवाते हो उसमें दो बेहतरीन चीज़ें, एक हिजामा और दूसरा कुस्तुल बहरी। वो कुस्ते शीरी हैं और वो गले के तमाम अमराज के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कहीं पे भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए या टॉन्सिलाइटिस हो जाए, क्योंकि टॉन्सिल्स भी अगर सॉइलेंट अप होते हैं, सूज जाते हैं, तो आपको बहुत तेज़ हाई फीवर हो जाता है। और बच्चे क्या करते हैं इस मौसम में, एसी में रह रहे तो बाहर जाते हैं, ठंडा गर्म ठंडा ठंडा पानी पीना, ये सब तो उसकी वजह से जो हमारा गेट कीपर है, जो टॉन्सिल्स हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो सारी बीमारी अपने पे ले। डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको हल्का सा गले में दर्द हो रहा होता है, दोपहर शाम को आप कोई गर्म मशरूब लेते हैं तो फिर वो सही हो जाता है, लेकिन रात में फिर एकदम से बढ़ जाता है, वो आता जाता है। बिल्कुल आता जाता है। अच्छा देखिए, बुखार दो तीन तरह के होते हैं। मलेरिया का बुखार भी आता जाता है, ठंड से लगता है, टाइफॉइड भी हो सकता है। पानी उबाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप क्या हमारे यहाँ पे एक चीज़ है, घर पे पानी उबालते बाहर से बर्फ ला के डाल देते हैं। आप सोचो आप कर क्या रहे हो, हिमाकत। यस, एक हिमाकत है। हाँ, आपने क्या करना है, आप बाहर से बर्फ लो, उस पर खूब सारा नमक डालो, आप उसको डालो किसी टप में या आप बाल्टी में डालो, और अपनी बॉटल्स जो आपने घर में बनाई हुई हैं उनको टाइट करो, मतलब के एयर टाइट करके, मतलब के अच्छी तरीके से कि वो बर्फ़ का पानी उसमें ना जाए, वो आप बाल्टी में रख दो, वो खुद ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएंगी। कितनी सही। और वो जो बर्फ़ में आपने नमक डाला है, बर्फ़ पिघलेगा नहीं, और देर तक आपका जो है ना पानी ठंडा रहेगा उसमें। और आप ये मिलावट हर चीज की बुरी होती है, तो इस तरह और इससे हम की मिलावट भी बुरी है, और हम इससे पानी बचा भी कितना सकते हैं। बिल्कुल, ये कितनी जबरदस्त बात है। आप लोगों ने अपनी जो प्लास्टिक की बोतल है, शायद वो ये बोतल हो सकती है। आपने ये प्लास्टिक की बोतल लेनी है, इसके अंदर ये पानी आप फ्रीज कर दे नमक डाल के। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं फ्रीज कर। डॉक्टर साहब किसमें? आपने बर्फ लिया, मैं बताती हूँ। आपने बर्फ बाल्टी में डाला, इसमें नमक डाला, इसमें उबला हुआ पानी है ना आपका, साफ सुथरा पानी है जी। और जो आपने बाल्टी ली है जिसमें आपने बर्फ रखा है जी, आप ये सब उसके अंदर रख दो। अच्छा, अपने पानी को बर्फ में रख दे, बर्फ कोई बोतल उसमें ना रखे। नहीं, ओके। तो इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। आप बाजार से बर्फ ला के अपने उबले हुए पानी में डाल के आप कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए खरीदते हैं, पैसे दे के खरीदते हैं, क्योंकि आप जिस जगह से बर्फ ला रहे हैं वो कौन सा पानी है, किस तरह बर्फ बना रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने मिनरल वाटर में, अपने उबले हुए दूध में, इन चीजों में आप बाजार की बर्फ डाल देते हैं, जिसका जो आपको पता ही नहीं वो कहाँ जमी है वो पानी का। हाँ। ये आज आपने 1,00,000 रुपए की बात कर, बहुत बीमारियां, लेड होता है उसमें, आपका लीवर खराब हो जाता है, और बहुत सारे अमराज उससे पैदा होते हैं। और सब मेरे पास आके भी बोलते हैं, डॉक्टर बिल्कीस हम तो घर का उबला हुआ, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर, तो हम घर का उबला हुआ पानी लेते हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से वो भी सही है, घर में पानी उबाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल, 20 मिनट तक उबाले। हाँ। जब तक उसमें बबल्स ना आ जाए। हाँ। ऊपर एक वाइट लेयर आ जाएगी, बंद कर दें, ऊपर से जब ठंडा हो जाए। पुराने जमानों में क्या करते थे, उसमें गंदम डाल देते थे। अच्छा। हाँ, और ना फिर उसमें कुछ लोग फिटकरी घुमा देते थे। डॉक्टर साहब हमारे फिटकरी घुमाते थे। हाँ, फिटकरी घुमाते थे। मिट्टी बैठ जाती है। वीट ग्रास बहुत अच्छा होता है, लेकिन वीट ग्रास का इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वीट ग्रास का जो ग्रास होता है वो तमाम बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, शगुफ्ता फ्रॉम लोधरों से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं शगुफ्ता? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने डॉक्टर बिल्कीस से पूछना था कि मेरा वैसे वेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन मेरा पेट जो है ना वो मतलब है कि कम नहीं हो रहा। उसके लिए कोई देसी कावा या कोई देसी रेमेडी ये मुझे बता दे। मेरी एज जो है ना वो 42 ईयर्स है मेरी, और मुझे मतलब है कि कोई बीमारी वगैरह, शुगर कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी वगैरह नहीं है, लेकिन पेट मेरा जो है ना वो काफी बाहर को निकला हुआ है और नीचे से लटका हुआ है। उसके लिए मुझे ये कोई देसी नुस्खा बता दे, मैं ऑन एयर सुन लेती हूँ। शगुफ्ता आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? जी एक्सरसाइज वगैरह मैं करती हूँ, लेकिन मेरा पेट नहीं जो है कम हो रहा। मैं खड़ी होके पाँव पे हाथ लगाती हूँ और फर्श पे मतलब मैं लेट के अपने वो पाँव भी बैंड करके मैं पीछे से पकड़ती हूँ। कम थोड़ा सा जरूर होता है, लेकिन ज्यादा फर्क पेट पे नहीं पड़ता। बाकी मेरा वेट नॉर्मल है बिल्कुल, तकरीबन 65 है, लेकिन मेरा पेट निकला हुआ है और नीचे से लटका हुआ है। इसके लिए मुझे ये कुछ बता दे। जरूर जरूर, आपको ऑनर जवाब दे रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी देखिए, जो पेट लटका हुआ है ना उसके लिए तो एक्सरसाइज और कैलेट्रोपिस ऑयल यानी आग का तेल, ताकि आपकी बॉडी लिफ्ट हो सके, ठीक है। और इसके लिए एक्सरसाइज आपने करना है, और आपने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बांधने की होती है वो बांध के रखना है, और सुन्नत पर अमल करना है। पानी का इस्तेमाल दौराने जैसे ग़िज़ा आपने बहुत कम करना है, सिप सिप आपने पानी पीना है। अगर आपको पानी पीना है तो आप बैठ के पानी पियेंगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेट निकलता है पानी का गलत इस्तेमाल करने से, खड़े हो के पानी पीने से भी पेट बाहर आता है, और ख़वातीन के साथ तो होता है, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों के बाद पेट लटक भी जाता है और निकल भी आता है। इसके लिए आपने बहुत मेहनत करनी है। स्ट्रेच यानी कि बॉडी को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज होती है, खींचने की एक्सरसाइज होती है, वो आपने लाजमी करना है। उसके साथ आपकी मदद करेगा देसी नुस्खों में जो है, आप राई दाना जो है उसको पीस के पाउडर बना लें, 1/4 चम्मच रोज़ाना सुबह खाली पेट लिया करें। आपने ये जो है अगर एक हफ़्ता आप लेंगी तो एक हफ़्ता आप छोड़ देंगी, ठीक है। इस तरह करके आप लेती रहें, और आपने कैलेट्रोपिस यानी कि आग का तेल बनाने का तरीका बता देती हूँ। आग पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, पत्ते मिल जाते हैं। तिल के तेल में उसको इन्फ्यूज़ कर लें। इन्फ्यूज़ करने का मतलब है तिल पहले आप उसको कूटें, और जहाँ से भी आग का तेल, आग के पत्ते कोई लेने जाए तो वो अपने मास्क पहन ले, ग्लव्स पहन ले, पत्ते तोड़े उसको कूटे। रेशियो बता देती हूँ, 1 kg अगर ऑयल बनाना है तो तकरीबन आपने 30 से 40 बड़े वाले पत्ते लें। थोड़ा सा पहले पानी में उबालें, जब वो ग्रीन कलर का हो जाए तो उसमें आप तिल का तेल डाल दें। लेकिन आप ये अमल भी एग्जॉस्ट जहाँ चल रहा हो वहाँ करें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बॉडी जो है टाइटन अप होती है। तो आप ये करके देखिएगा। ज़रूर शगुफ्ता, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक चीज़ जो मैं अपने तौर पे आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप द मॉर्निंग स्टार का 23 तारीख का शो देखें, जो कि मंडे को भी शो किया, तो उसके अंदर हमारी जो फिटनेस ट्रेनर हैं उन्होंने पेट कम करने की बहुत शानदार एक्सरसाइज बताई है। आप YouTube पे ये शो कैच कर सकती हैं। 23 मई का शो ज़रूर देखिएगा। और हमारी जो फिटनेस ट्रेनर थी, क्या नाम था उनका, कुबरा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट और प्री प्रेगनेंसी एक्सरसाइज बताई थी, और ख़ासकर जो प्रेगनेंसी के बाद जो पेट निकल आता है या पेट लूजन अप हो जाता है उसको टाइट करने की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो 23 मई का शो ज़रूर आप YouTube पे देखिएगा। डॉक्टर बिल्कीस एक चीज़ मुझे आप एक बात बताएं, आज जो हम चीज़ें बना रहे हैं ये कोई भी घर में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है? कभी भी कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी किचन टिप्स है, 2 हर्ब्स ऐसी लाई हैं जिससे 0.01% किसी को अगर एलर्जी हो तो हो सकता है, अदरवाइज सेफ है। और तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों की, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी एक और फैन का कॉल आया हमारे पास, ताशा फ्रॉम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ताशा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ताशा? डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ है, क्या कहना चाहिए? आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बेस्ट डॉक्टर बिल्कीस। मैंने ना अपनी बच्ची के बालों के बारे में पूछना है। जी जी प्लीज डॉक्टर साहब। जी जी फरमाइए। उसके ना बाल बहुत ज्यादा खराब है। बाल खराब है, कैसे कैसे खराब है? ऐसे जैसे कटे कटे हो जाते हैं ना ऐसे, और बहुत ही बढ़ते भी नहीं है, बहुत ज्यादा ही खराब है। अच्छा उम्र क्या है, उम्र क्या है उसकी? वो 21 साल की है। कितने साल की है? 21। 21 साल के। तो दूध का, दही का, अंडों का इस्तेमाल करती है? नहीं, दूध का करती है। अच्छा रोज पीती है दूध? नहीं। अच्छा चले देखे,
आपके बाल अगर कटे कटे और जले जले हो रहे हैं और ऐसे जैसे पहले आपके बालों का कलर बहुत अच्छा था, आहिस्ता आहिस्ता आपके कलर चेंज कर रहे हैं और जैसे झाड़ू जैसा हो रहा है, तो वो शो करता है न्यूट्रेंट, पोअर न्यूट्रेंट के न्यूट्रिशनल उनको जो है ना चीज़ें चाहिए, वो एक्सटर्नली भी दें और इंटरनली भी दें। एक्सटर्नली आप ऐसा कर सकते हैं, सरसों का तेल और मक्खन दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद एक एक चम्मच आपने लिया है तो इसमें एक बनाना मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये मास्क की तरह लगाएं। उसके बाद आप इसको धोने से पहले हल्का सा लेमन जो है ना वो बालों में लगा कर आप वॉश कर लें, इससे आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। मगर जब तक आप उनको अच्छी ग़िज़ा नहीं देंगे, बाल जिससे बने हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन के सोर्सेज ज़रूर दें। 21 साल की है तो बड़े का गोश्त भी खाना चाहिए, अंडा, दूध, दही, मक्खन और बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें दें जो इसकी वजह से बाल अच्छे हो जाएंगे। और विटामिन D3 ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है जी रुख साहब आज की रेमेडी पे तो आप आ जाते हैं माशाल्लाह कॉलेज की वजह से। जी मैं बिल्कुल बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की, बच्चों का गला ख़राब हो, ये मैं बात कर रही हूँ 2 साल से बड़े बच्चों की, ठीक है। 2 साल से छोटे जो बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको आप डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ से उनको एलर्जी हो, तो उनकी हम बात नहीं करें। 2 साल से बड़े बच्चों को अगर अचानक बुखार हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, आप डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ये रेमेडी मेरी बहुत आजमाई हुई और बहुत दफ़ा बताई हुई है। आपने क्या करना है, प्याज, एक छोटी सी प्याज लेके मैंने इसको लच्छेदार काटा है और ये देखे मैं चीनी ले रही हूँ और ये मैं प्याज पर डाल रही हूँ। और वैसे भी प्याज से जो है होम्योपैथिक में गले के अमराज के लिए दवा भी बनती है, एलर्जी के लिए दवा भी बनती है, ठीक है। और मैंने इसमें चीनी डाल दी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे हमें एक कॉलर से बात करनी है, अब्दुल्ला की कॉल है फ्रॉम पाकपतन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं अब्दुल्ला आप, वेलकम टू द शो। सर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर बिल्कीस, बच्चे के लिए बात करनी है। मैं, मेरे बच्चे को ना मिर्गी की शिकायत है। अच्छा अच्छा, जो मिर्गी की एलोपैथिक दवाइयां हैं वो आप दे रहे हो? जी हमने काफी दी है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। नहीं ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मिर्गी की अगर एक दफ़ा आपने दवाई शुरू कर दी तो खुदारा किसी हकीम की, किसी भी दूसरे डॉक्टर्स के पास नहीं जाए, आप अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे। और दवा देने का मैं आपको, अहम थायराइड और कोई ऐसी दवा जो दिन में एक दफ़ा देनी है उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब हमें याद आता है हम दवा दे देते हैं। दवा एक सर्कल से चलती है, अगर आपने रोज़ाना 12 बजे देना है तो दूसरे दिन 12 बजे ही देना है। प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधारें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उसका सोने जागना, उसको उस सोने जागने के औकात बहुत सही करें, उसको अच्छा नींद दें। और वो वॉशरूम जाए तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, छत पर वो नहीं जाएगा, आग के पास नहीं जाएगा, स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा, ये एहतियातें करें। और प्लीज़ आप जो एक दफ़ा दवा शुरू कर चुके हैं उसकी बॉडी इम्यून हो चुकी है, तो आप जो है उसकी इम्यूनिटी को ना छेड़ें और जो अदवियात दे रहे हैं वो देते रहें। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा आपने, मैं वैसे बता देती हूँ, एलोपैथी हमारी पैथी में, यानी कि एलोपैथिक नहीं, जो नेचुरोपैथी में सबसे अच्छी होती है इसकी दवा, लायंस मैन मशरूम, मंकी हेड भी कहा जाता है, बेहतरीन है। अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको दे सकते हैं। अच्छा आपने, मैं बच्चों की बात कर रही थी, जो बुखार हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाती है, छींकियाँ आती हैं और बहुत तकलीफ में होते हैं, आप डॉक्टर की दवा ज़रूर दें लेकिन ये रेमेडी करके देखें। एक छोटी सी प्याज लिया, उसमें हमने चीनी डाल दिया, उसको रख दिया, 5 से 6 मिनट रखने के बाद प्याज अपना पानी छोड़ देगा, इसको आप निचोड़ लें, 1/2 टीस्पून के करीब बनेगा, इसको 1/4 मतलब कि थोड़े से पानी में मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद बच्चे को पिला दें। बाज़ औक़ात बच्चे इससे वॉमिट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा होता है, लेकिन बुखार उतर जाता है। आप करके देखिए, जब गला साफ हो जाता है, ये पहली रेमेडी है। दूसरी रेमेडी, आजकल बहुत हाई फीवर हो रहा है कि और बहुत ज़्यादा लोग लथार्जिक हो रहे हैं, आपके घर में साबुत धनिया है, 1 कप पानी उबाला, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया, आपने उसको उबालने रख दिया, आपके घर की दवा तैयार हो गई बुखार की। आप इसको 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं, इससे बुखार उतर जाता है। हम ये इसको एक ही वक्त पे देंगे ना? हाँ, 1 कप एक वक्त में देंगे, ठीक है, और आप 3 कप तक डेली रोजाना पी सकते हैं। हमारे साथ आयशा है फ्रॉम लाहौर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप?
अश्फर भाई, मैंने डॉक्टर बुलकीस से ना क्वेश्चन करना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मैंने हर रेमेडी ट्राई की है, डॉक्टर को भी दिखाया है, मेरे पाँव की एड़ियाँ इतनी रफ हो चुकी हैं, बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही हैं। नहीं, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। इसी दौर में अच्छी स्थिति थी, हम जैसे जैसे उम्र जा रही है, पाँव देख देख के इतना रोना आता है कि पाँवों को क्या हो गया है। आप मोरनी, आयशा आप कहीं मोरनी तो नहीं? अच्छा बेटा, B12 चेक कराओ। सही है? अच्छा, B12 चेक कराओ। अगर B12 की कमी है तो तमाम लाल चीज़ें आप खाएं। लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, मगज़ ले लें गाय का, अगर आपके बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मगज़ ले लें। और वैसे जो थोड़ा सा ब्लड होता है ना, वो मगज़ के साथ लगाने के लिए बता रही हूँ, खाने के लिए नहीं बता रही। गाय का ही ब्लड, गाय का ही मगज़, दोनों को मिक्स करके क्रीम बना लें। आप पाँव में अच्छी तरह लगाएं, अच्छी तरीके से लगाएं, बहुत अच्छी तरीके से भर भर के लगाएं, और आप कपड़ा बांधें मलमल का। अच्छा, जब इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगी तो आप कॉल करके बताइएगा कि आपके पाँव का क्या हाल है। लाजमी करना भी है, बताना भी है। 2 से 3 दफ़ा करें। जिनके पाँव पे कट्स लगे हुए हों, बहुत ड्राई पाँव हो रहे हों, और किसी तरह भी फटी एड़ियाँ सही नहीं हो रही हों, तो आप ये वाला करके देखिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये डॉक्टर साहब, ये जो रेमेडी है, ये पाँव की आप बता रही हैं, ये हर हफ्ते करनी है, डेली करनी है? ये 3 दिन कर लें, नॉन स्टॉप 3 दिन करें आयशा, बस फिर आपको जरूर इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन B12 जरूर करा लें, विटामिन D3 जरूर करा लें। खवातीन हज़रात, वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन दिल छोटा मत करें, डॉक्टर बिल्कीज़ यही है, नहीं जाने दे रहे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हैं। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि बात करते करते डॉक्टर साहब गले में एकदम से खराश आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो मुझे बहुत आती है, क्या आप क्या बता रही हैं उसके लिए? अच्छा, उसके लिए तो मुलैठी बहुत अच्छी होती है, आप छोटा सा मुलैठी का टुकड़ा चबा लें तो गला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ मिसेज अफशा की कॉल है फैसलाबाद से, तो बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसे हैं आप? ऊपर से पाँव दर्द करते हैं। कहाँ से दुखती है पाँव? ऊपर वाली साइड से। अच्छा अच्छा, आपने मतलब अपना कोई टेस्ट कराया है, कैल्शियम का, विटामिन D3 का, कोई एक्सरे कराया है? विटामिन सी भी ले रही है, डी भी ले रही। देखिए, विटामिन डी लेना, विटामिन सी लेना इलाज नहीं है ना। विटामिन डी किस तरह ले रहे हैं, आपकी डेली डोज कितनी होनी चाहिए, और आप कैल्शियम का टेस्ट कराएं, क्योंकि अर्थराइटिस कहीं से भी शुरू हो सकता है। अच्छा, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि आपके साथ मसला क्या है। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो, नमक वाला पानी बना के पाँव उसमें डिप कर लें, ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही हो, तो इससे फ़र्क पड़े। और कैल्शियम की जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो नेचुरल सोर्सेज में अल्लाह की तरफ से जितनी भी वाइट चीज़ें, उसमें दूध भी आ जाता है, इवन के मूली भी आ जाती है उसमें, शलजम भी आ जाता है, मैं एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। और अगर आप राइस लें तो उसमें भी कैल्शियम होता है। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। अभी बगैर बताए मैं आपको बता देती हूँ, गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध बना के लें, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालें, 1 से 2 लौंग डालें, 1 छोटी इलायची डालें, और हल्दी आपने लेना है। हल्दी इसमें आप घर वाली हल्दी नहीं लेंगे, आंबा हल्दी लेंगे या चोट हल्दी लेंगे,
उसको चोट हल्दी कहा जाता है। 1/4 टीस्पून लेंगे, एक कप पानी, एक कप दूध और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, इसको इतना पकाएं कि दोबारा ये एक कप रह जाए। उसके बाद आप इसको छान लें। जिस हल्दी ने दूध में मिलना होगा मिल जाएगा, बाकी जो लेफ्ट ओवर है उसको छोड़ दें और ये पी लीजिए। इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और ये वाला हल्दी वाला दूध आप कोशिश करें कि शाम को 4 बजे से पहले पी लें, इंशाल्लाह आपको। अच्छा, हमारे साथ फरा है फ्रॉम लाहौर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरा। अस्सलाम वालेकुम जी फरा, वेलकम टू द शो। मैंने डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी प्लीज बात कीजिए। जी फरा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना, मेरी उम्र है 60 साल, तो मेरे ना घुटनों का मसला है। मेरे घुटनों का ना जो गुर्दा है वो खत्म हो चुका है, तो मेरे ना चलने फिरने में बड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे उसके लिए कोई इलाज है। अच्छा देखिए, अभी अभी मौसम आया, लसोड़े गूंदनी सारी ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए वैसे मैंने पूरी रेमेडी बना कर जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, वो भी आपकी हेल्प कर सकती है। अब मुझे नहीं पता है कि कितना आपका कार्टिलेज का मसला है, लेकिन आप जो है ना रोज़ाना यखनी बना कर भी पिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग फरा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रेसिपी आज रह जी, मैं बता रही थी कुस्तुल बहरी यानी कुस्ते शीरी के बारे में। तो आपने क्या करना है, कुस्ते शीरी को मैंने यहाँ पे पीस लिया है। वैसे इसके बहुत सारे तरीक़े हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको उबाल कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को देना हो तो आपने क्या करना है मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने 1 चम्मच लिया है, तो इसमें मैं 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ ताकि बच्चे आराम से खा भी लें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, माजून की शक्ल दे दें और फिर इसको जो है आपने चटाना है बच्चों को, सुबह शाम चटाना है। इसको खाली पेट नहीं देना, खानों के बाद देना है। और तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आस्ते आस्ते उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये इतना ऐसा बनना चाहिए, इस तरह बिल्कुल पेस्ट की तरह बनना चाहिए। उसके बाद अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के बच्चों को आप इस तरह करके शहादत की उंगली से दे सकते हैं। बड़े जिनके गले ख़राब होते हैं, जिनको बार बार ठसका लगता है, तो आप उनको भी ये दे सकते हैं। मतलब बोलते बोलते एकदम से वो आ जाता है। मेरे साथ बहुत होता है। तो आप ये इस्तेमाल करें, अल्लाह गफ़ूर रहीम के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कुस्तुल बहरी जो है ना सिर्फ गले के लिए बल्कि आपके पूरी बॉडी के लिए, आपके पेट के अमराज के लिए, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं या बड़ों के भी होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हर किस्म के इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी से दूर करने में ये आपकी मदद करती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी किसी से लड़ाई नहीं है, आप किसी भी पैथी की दवा के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई मखसूस वक्त है डॉक्टर साहब के, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले? अच्छा, दिन में दो दफ़ा इसकी मतलब ये आप भरे पेट से ले सकते हैं, क्योंकि हमारी हर्बोलॉजी में ऐसा है कि जो चीज़ आप खाली पेट लेंगे उसका असर ज़्यादा होगा, मगर ये बूटी इतनी अच्छी है कि इसको खाने के बाद भी लेंगे तो ये अपना असर रखेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर भी ले सकते हैं? आपने 3 महीने लेना है। 3 महीने लेनी है, 7 दिन से लेके 3 महीने तक लेना है। देखिए टॉन्सिल्स की वजह से बच्चों के कानों से पस भी आने लगता है, बार बार बुखार होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और एक और आदत बच्चों में डाल लें, रोज़ाना रात सोने से पहले नमक के गरारे लाजमी कराएं बच्चों को। जैसे हम टूथ ब्रश पर बहुत ज़्यादा जोर देते कि टूथ ब्रश कर लें, नमक के गरारे भी इतने ही ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे साथ अक्सा की कॉल है भक्कर से, अक्सा से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम सलाम। जी अक्सा, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? टीवी बंद कर दें प्लीज़, टीवी बंद कर दें। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी ठीक है। जी डॉक्टर बिल्कीस, दूसरी चीज़ मैं बता रही थी, खाकसी ये रखी हुई है यहाँ पर और ये आप देख लें इस तरह की होती है। खाकसीर भी आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को ख़त्म करने में, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। टाइफॉइड के लिए खाकसीर बहुत अच्छी है, अगर गला ख़राब हो तो बहुत अच्छी बूटी है, सेफ बूटी है। आप इसको दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं, पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं, मुनक्के के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंच और शदीद बुखार किसी तरह नहीं उतर रहा हो, और वो बुखार जो दर्द के साथ आ रहा हो कि बॉडी
टूट रही हो, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो आप खाकसीब उबाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच डेढ़ कप पानी में इतना पकाएं कि एक कप रह जाए। खाकसीब को आपने छानना नहीं है, आपने उसको पी लेना है। चाय तो उसमें शहद शामिल कर सकते हैं, तो इससे भी आपका बुखार, चाहे वो किसी वजह से भी हो रहा हो, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन इसके साथ आपने जो है अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि अगर बॉडी में इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा है तो आपने डॉक्टर से रुजू लाजमी करना है। ये चीज़ें आप फर्स्ट एड के तौर पर और किचन टिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये फ्लू के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्लू के लिए भी ना? फ्लू के लिए, एलर्जी के लिए, मतलब कि किसी अटिकेरिया के लिए, किसी वजह से भी आपको इन्फेक्शन की, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको बुखार हो रहा है, आप बाज़ोकात ऐसा होता है आपकी बॉडी रेड होने लगती है, अटिकेरिया हो जाता है, तो उन सब में ही इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता है, आप भी कर सकते हैं। टाइफॉइड के लिए बहुत अच्छा है। टाइफॉइड के लिए मुनक्के में डालकर, सात मुनक्के में थोड़ा सा पिंच खाकसीर डालकर उसको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके खाते, बीज निकाल कर। तो हमारे पास उरूज की कॉल है फ्रॉम गुजरावाला, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उरूज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उरूज आप? खैरियत से? हम ऐसे डॉक्टर बिल्कीस से क्या कहना चाहेंगी? जी मैं खैरियत से। मेरा ये मसला है कि मैं जो मेरी हाइट है वो 4.5 फुट है, ठीक है, और बाल मेरे सिर्फ सर से लेके गर्दन तक है। मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने हर चीज लगा के देख ली लेकिन मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, आपके बाल बचपन से ऐसे है, किसी वजह से रुक के अब नहीं आ रहे? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बाल बचपन से ऐसे नहीं है। मेरे बाल ठीक से 4-5 साल से मेरे बाल इस तरह के हुए। मैंने दरअसल ना मिक्सिंग ऑयल लगाए थे। देखो, 4-5 साल पहले आपने क्या किया था? मिक्सिंग ऑयल लगाए थे मैंने ना, मिक्स करके 3-4 ऑयल्स मिक्स करके लगाए थे। अच्छा बेटा, 3-4 मिक्स ऑयल लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो 3-4 ऑयल आपने मिक्स किए हैं उसमें अगर केमिकल होगा तो फिर सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बाल नहीं भरे तो बढ़ रहे हैं तो आप CBC भी TSR कराएं, LFT कराएं, पता चले vitamin D3 कराएं कि वजह क्या है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपने आंवले का मुरब्बा खाना है, सुबह नाश्ते में आंवले का मुरब्बा लाजमी खाएं, उससे फ़र्क पड़ेगा। आप नारियल के पानी में बादाम, कलौंजी और मेथी दाना इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके 3-4 दिन के लिए आप उसको फ्रिज में रख लें, उसके बाद इसको छान लें, ये सर की जड़ों में लगाएं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह इससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, और अभी आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया, आपको ब्लड टेस्ट कराना डॉक्टर साहब, CBC ESR? हाँ, मैंने कहा CBC with ESR, मतलब पता चल जाए कि ब्लड के, क्योंकि वायरस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। देखिए, खून की कमी से भी तो बालों पे असर पड़ता है, vitamin D3 से पड़ता है। लीवर फंक्शन टेस्ट का इसलिए कहा कि अगर कोई मसला है जिगर में पता चल जाए, तो ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, आप करा लो ताकि पता चले। और वैसे आपने कहा पहले बाल अच्छे थे तो इसलिए थायराइड वगैरह नहीं करा रही, एक चीज़ें होती है ना कि कॉजेज पता चले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज ये जो माजून आपने बनाया है ये तो मैं फौरन अभी लेके जा रहा हूँ। खवातीन और हज़रात, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद किचन में, देखते हैं आज शेफ मुनीजा क्या कर रही है। कहीं मिल जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं किचन क्वीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी शेफ मुनीजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आज बहुत पोल्का डॉटेड लग रही है। Yes. और आज आप बहुत फ्लोरल हुए हैं। मैं तो पूरा हफ्ता फ्लोरल रहूंगा। OMG, महकता रहूंगा खुशबू एक फूल की तरह। व्हाई नॉट, अरे वाह, यस, यही चाहिए था, यही 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 चाहिए था मुझे। इनके लिए सीटी, इनके लिए आवाज, मेरी सीटी कहां है? आपको आपको देख के वो सीटी नहीं, पनाह मांगते यार, कहां है कोई डंडा उठा दो मुझे, कहां है? आपको देख के सीटी भी ठीक है। देखे क्या मांगते, ये देखे, ये आप मेरी बात सुनो, क्या मांगते, मेरी बात सुनो, देखे नहीं, नहीं क्या मांगते, ये देखे, इसी वजह से, यही वजह है। आपने जब से बताने की आप सड़कों पर लोगों को मारती पीटती कर रही है, तो बस
सब लोगों ने हथियार अपने हाथ उठा लेंगे, नहीं भाई शाहपुरी जा रही है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, ऐसा डर खौफ होना चाहिए लोगों में। इसी डर खौफ की वजह से शेफ मुनीजा मैं आपकी रेसिपीज पे आजकल जरा सी भी तंकीद नहीं कर रहा। अच्छा, जरा सी, रोज तो शुरू थे, और अभी जब इनको पता चल जाएगा आज क्या बनाने जा रही हूँ तो ये वापस से शुरू हो जाएंगे वही घरेलू आदमियों की तरह। क्या मतलब आज क्या बनाने जा रही है? आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कढ़ाई। इनका क्लोजअप लें, क्लोजअप, ठंडी आहें, ठंडी सांसें, उफ अल्लाह। क्या इस मुल्क से मुर्गियां खत्म हो गई हैं? क्या क्या बकरों ने खुदकुशी कर ली? क्या जितनी भी गायें भैंसें हैं उन्होंने क्या अपने आप को मार लिया, जला लिया, एक हड़ताल पे चली गई, बीमार हो गई, जो अब कढ़ाई अंडे की बना रहे हैं? जी हाँ, देखिए अंडे मुर्गी पे आ रही हूँ ना, ऐसे ऐसे पहले अब अंडे से तो मुर्गी आती है ना शेफ मुनीजा। ये मैं आपको सिर्फ कल तक का चांस दे, कल जुम्मे का दिन है, कल तक का आपके पास चांस है। कल आप ये जो दिला रहे किफायत छारी। देखिए मैंने लोगों को सिखाया है कि मुर्गी और गोश्त के बगैर कैसे आप पूरा हफ्ता गुजार सकते हैं। किसके साथ? बगैर चिकन, बगैर चिकन और बगैर बीफ, बगैर मटन के। अरे मेरे कहने का मकसद ये था कि आप कम खाएं जानवर वगैरह जो है वो आप थोड़ा सा कम कंज्यूम कर लिए, ये तो नहीं कहा था कि खाएं नहीं, आप तो कुछ सीरियस ही हो गए इस बार। देखिए मुर्गी तो अंडे से आती है ना, अब अंडे के बाद मुर्गी आ जाएगी। चलें आज मैं आपसे 1,00,000 रुपए का सवाल पूछता हूँ, और अगर आपने सही जवाब दे दिया ना तो मैं कभी भी रेसिपीज पे तनकीद नहीं करूंगा। सही है, ओके ओके, वादा। ये बताएं पहले मुर्गी आई थी अंडा? देखिए ये तो मुर्गी को भी नहीं पता कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। ये क्या आपने बड़ मुर्गी से बात की है क्या? आप पे मुर्गी इंटरव्यू करके आई है? अच्छा आप बता दो, चले मैंने हार मान, मुझे पता होता मैं आपसे क्यों पूछता। ये इस पे तो हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, इस पर की तो बातें खत्म नहीं होती। मैं ऑयल जो है वो ले लेती हूँ। ओके ठीक है, आ जाते हैं। शेफ मुनीजा ये जो आपने फिल्मी, ये प्लीज क्लोज अप ले, ये जो हीरोइन बनने की नाकाम कोशिश चल रही है यहाँ, दुपट्टा फसाना फिर ये खेत। शेफ मुनीजा आपको कोई नहीं कास्ट कर रहा, रिलैक्स कर। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का करवाया मैंने, आप यहाँ से नहीं जा रही, रिलैक्स। आपने खाने बनाने, ये जो दुपट्टे फसाना और ये अदा, खैर आपको बचा लिया कॉलर ने। हमारे साथ अक्सा की कॉल है, कहाँ से? भक्कर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अक्सा। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अक्सा, बोलिए। जी जी मैम, आपसे ना रेसिपी पूछनी थी मोती पुलाव की। मोती पुलाव की, ठीक है अक्सा। और अक्सा आपने हमारी कोई रेसिपी ट्राई करी? जी अभी तक ट्राई तो नहीं करी, लेकिन ऐसा ये आप मैम बता दें कि इसकी ना रेसिपी क्या है। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, हम बताएंगे आपको। सर से बात करवाते हैं। जी जी अक्सा बताइए। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। मोती पुलाव बनाए आपके लिए? गेस्ट के कर सकते हैं आपसे फरमाइश, गेस्ट को बुलाएं? प्लीज प्लीज बताइए ना सर, अफान मजीद को आप अगर गेस्ट के लिए इनवाइट करें तो जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अक्सा। मोती पुलाव में क्या मोती डालते हैं? हाँ हम मोती डालेंगे, पर्ल्स पहले जाएंगे हम समंदर से ढूंढ के। मोती पुलाव में जो जो डलता है वो हम आपको जब मोती पुलाव बताएंगे बनाएंगे तो बताएंगे। नहीं पर होता क्या है मोती पुलाव? मोती पुलाव एक ऐसी नाम रख देते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ों के सिर्फ जो है वो नाम रख दिए जाते हैं, जैसे चरसी कढ़ाई है उसमें चरस तो डालते नहीं है। शेफ मुनीजा आज कल आप सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे पहुंच जाती हैं भाई, चलो तो ऐसा होता है कि नाम बस अट्रैक्शन के लिए रख दिया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करें। चीज़ें इंग्रीडियंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस ऊपर नीचे कर दिए नई रेसिपी क्रिएट हो गई, ये चीज़ होती है। ये किचन का सेगमेंट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है फोर्टाइल ने, फोर्टाइल का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पॉन्सरिंग दिस किचन सेगमेंट। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू फोर्टाइल। अच्छा हमने इसके अंदर ऑयल लिया तकरीबन 1/2 कप के करीब, इसके अंदर हमने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, ठीक है। और आज बनने जा रहा है अंडा कढ़ाई। मुझे एक बात बताएं, कल आपने वो बनाई थी मिर्चों वाली खिचड़ी, मसाले वाली, वेरी नाइस, और उसमें आपने वेजिटेबल्स का भी इंटेक करा, मजे की हो गई, बहुत मजे की।
ठीक है, तो बस अब देखिए खुश भी होते हैं खा के, ये ऐसा नहीं कि इनको पसंद नहीं आती हैं चीजें, मतलब आप फ्री हो जाए आप कढ़ाई में अंडे डालना शुरू कर दे। अच्छा, हमने कड़ी पत्ता डाला, जब कड़ी पत्ते की खुशबू आ गई तो हमने इसके अंदर एक टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करा है, और अब जैसे ही वो गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। तीन तकरीबन एक प्याज हमने बड़ी ले ली, बारीक काट ली उसको, और तकरीबन दो से तीन जो है टमाटर हमने ले लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया। देखें ये गोल्डन हो गया है, कितनी अच्छी की मज़े की खुशबू जो है वो कड़ी पत्ते की आ रही है। जो फ्रेश कड़ी पत्ता होता है ना उसकी तो क्या ही बात है। कड़ी बनाएंगे आप किसी दिन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस नेक्स्ट वीक कड़ी बना लेते हैं, अंडे की निहारी बना लेते हैं। क्या खुदा का वास्ता, प्लीज। तो फिर नहारी के साथ, तो नहारी तो मटन बीफ के अलावा होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूं। लोग चिकन की नहारी, चिकन की हलीम बनाते हैं, मुझे लगता है ये ज्यादती है नहारी के साथ ना। ये एक अपनी एक जाती चॉइस है, हर इंसान की जाती पसंद होती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहारी और इसके साथ जाते हलीम के साथ आप नहीं जाते। आपने पूरी चीज ही उसकी बदल दी ना नहारी की, है ना। ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं, आप खुद को कढ़ाई की पूरी चीज बदल रही हैं। कुछ ऐसे बाद लोग मछली के पाए भी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल, है ना। शबरी जी, जब आप स्कूल गोइंग थे, छोटी थी आप, तो आप अपनी अम्मी से क्या फरमाइशें करके बनवाते? मैं अपनी अम्मी से क्या फरमाइशें करके, मुझे जो है ना वो चाइनीज बहुत जो है वो पसंद था, या नूडल्स हो गए, पास्ता हो गए, तो ये मुझे बड़े पसंद थे, तो मैं अम्मी को बोलती थी ज़्यादातर वो। लेकिन कभी हम स्कूल से आ जाए और हमें ये सुनने को मिल जाए कि आज दाल चावल बना है, तो उस दिन तो एक जो है ना वो भूख हड़ताल हो जाती थी घर में। अच्छा। हाँ, फिर वो पापा का फ़ोन जाता था एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, वहाँ से बर्गर आ रहा होता था। लेकिन मुझे लगता है दाल चावल की जो अहमियत है और जो वो अब अच्छे लगते हैं, वो बड़े होने के बाद आपको ज्यादा अच्छा लगने लगता है। हाँ हाँ, वो दैट्स सो टू। और मैं ये कहती हूँ कि कंफर्ट फूड्स हैं जितने भी हैं, ये दाल चावल हो गए, मतलब जितनी सादी गिजाएं हैं सारे कंफर्ट फूड्स हैं, ये खा के फीलिंग भी होता है, आपको लाइट भी फील होता है, और वो जो मुरगन गिजाएं मसालों वाली खाने से बरक्स, मैं कहती हूँ कि इस तरह की गिजाएं हफ्ते में एक दो दफ़ा ज़रूर अपने उसमें ऐड करें मेन्यू में, और बच्चों को लाजिम दें। मैं कहती हूँ कि जो हम बचपन से उनको खिलाते हैं, वो जैसे हमारे माँ बाप ने हमें खिलाई ऐसी चीज़ें, तो अब हमें बड़े होकर वो अच्छी लग रही होती हैं। अब वो पेरेंट्स नहीं खिलाते हैं तो बच्चों को। शिवनी जी, मैं दाल से याद कर रहा था, अभी अपने पिछले महीनों में काली दाल बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी बनाई थी। आई थिंक हमें वो किसी दिन रिपीट करनी चाहिए। ओके, डन, दोबारा बना लेंगे। विद शामी कबाब, विद शामी कबाब, काली दाल के साथ लोग शामी कबाब वैसे नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, मुझे एक स्पून चाहिए। हाँ, लेकिन दो चार चिकन की डिशेस के बाद। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, चिकन या मटन, मटन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या क्या चाहिए शबनी जी? मैं आपको स्पून चाहिए, मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। शबनी जी, ये रहा स्पून, आप क्या ढूंढ रही हैं? नहीं, वो सूप स्पून है। एक तो बर्तन आपने पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए हुए। कोई बात नहीं, ओके, हमने वॉश कर लिया स्पून को, और हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करे हैं और साथ में कुछ हरी मिर्चें शामिल करी हैं, और अब मैं जो स्मेल तो बिल्कुल कड़ी की जैसे आ रही है। हाँ, वो कड़ी पत्ता जो हमने ऐड करा है ना, उसकी खुशबू जो है वो आ रही है, बड़े मज़े की ये बनती है। आप यकीन है, इंशाल्लाह देखिएगा, कल यही बोल रहे होंगे सिर्फ नीचे आपने अंडा कढ़ाई जो बनाई थी, ओह बड़ी अच्छी बनी थी, इंशाल्लाह। ठीक है, नमक हसब जायका शामिल करा, लाल मिर्च हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, और देगी लाल मिर्च इसको बड़ा प्यारा सा कलर भी देगी और इसके फ्लेवर इतना स्पाइसी नहीं करेगी। ठीक है, तो वन टेबल स्पून वो गई कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून, आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और हल्दी जा रही है हाफ टी स्पून, और चाट मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अंडों को जो है हमने बॉईल कर लिया, हमने यहाँ पे 6 अंडे ले लिए, हमने उनको बॉईल कर लिया, और जो है मैं इसको क्या करने वाली हूँ कि ये हमारे पास जो कांटा है इससे हम अंडे को थोड़ा सा प्रिक करेंगे। अच्छा, ताकि जो इसके फ्लेवर्स है वो अंडे के अंदर तक चले जाए, जज्ब हो जाए। ठीक है, तो ये बड़े मज़े का जो है इस तरीके से फ्लेवर अंदर तक इसके जाएंगे, और ये मज़े का हमने बॉईल किया हुआ अंडे हमने बॉईल करे, हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं ये। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से देखें प्रिक कर ले रहे हैं कांटे की मदद से, ताकि सारे इसके फ्लेवर्स। शबनी जी, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, अंडा जब हम फ्राई करते हैं और अंडे को तोड़ते हैं, तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि ये अंडा सही नहीं है या ख़राब है, या जिसको कहते हैं ना गंदा अंडा है। अंडा जब हम बॉईल कर रहे होते हैं तो हम कैसे पता चल करवाएं कि ये अंडा खराब है? देखिए, एक तो वो जब अंडा एक नीचे बैठ जाता है पानी के अंदर आप डालते हैं, और एक अंडा कुछ थोड़ा सा फ्लोट कर रहा होता है, जो फ्लोट कर रहा होता है ना वो सही होता है, जो नीचे बैठ जाता है ना वो खराब होता है। अच्छा, हाँ, इस तरह का भी होता है। जो अंडा फ्लोट करता है, ये नहीं कि फ्लोट करके टॉप पे आ गया, थोड़ा सा फ्लोट करता है, जो थोड़ा सा ऊपर तैर रहा होता है, जी हाँ, वो सही होता है, जी हाँ।
अच्छा, और कुछ अच्छा, ये भी पता चलता है कितना पुराना अंडा है इस ट्रिक से, ये भी पता चलता है कि अंडा कितना पुराना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो अंडा नीचे बैठ जाता है वो सही रहता है। अच्छा, फिर हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं दोबारा पढ़ लूंगी। इस वक्त जो लोग बना रहे हैं वो क्या कंफर्म है कहाँ से? मैं दोबारा कंफर्म पढ़ के और जो है मैं कल आप लोग को ये बात कंफर्म। हाँ ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम मिस्टेक कर भी जाते, तो जरूरी नहीं है कि हम ये कह दें कि बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे भी इस तरह की वीडियोस हैं जिसके अंदर नहीं जम रही है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फ्लोट कर रहे हैं वो सही होता है, कुछ कह रहे हैं जो अंडा बैठ जाता है वो सही होता है। चले मैं इसका प्रॉपर जो है दोबारा से देख के और फिर कल आपको बिल्कुल कंफर्म बताऊंगी कि क्या एक्चुअल। बल्कि इतनी भी हम देर क्यों वेट करें, ब्रेक में पता करते हैं जो अंडा फ्लोट कर रहा है वो सही होता है या जो अंडा नीचे बैठ जाता है वो सही होता है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, यहाँ बन रही है अंडा कढ़ाई, कहीं मचे। वेलकम बैक खवातीन हजरात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। इस वक्त किचन में बन रही है अंडा कढ़ाई, जो कि शेफ मुनीजा का दावा है कि इससे अच्छी कढ़ाई मैंने कभी नहीं खाई होगी। देखते हैं अगर ये दावा गलत हुआ ना शेफ मुनीजा तो बस फिर अच्छा नहीं हुआ, तो फिर वो 1,00,000 का जो चेक आप दे रहे थे मुझे दे देंगे। लेकिन अभी आपको ये बताना बाकी है कि जो अंडा फ्लोट करता है वो सही है या जो अंडा बैठ जाता है। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि मैं गलत कह रही थी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, जो अंडा फ्लोट करता है वो खराब होता है और जो नीचे बैठ जाता है वो सही होता है। पक्का? हाँ जी पक्का पक्का। ठीक है, अभी जितने भी अंडे आपके फ्रिज में पड़े हुए हैं आप जाके फौरन से चेक करें पानी में डाल के, उसमें से गंदे अंडे कौन से। खवातीन हज़रात, जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू होता है शादी। शादी हम सब करते हैं, शादी करने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है आदमियों के लिए भी और खवातीन के लिए भी। जो खवातीन शादी करके एक नए घर में जाती हैं उनके भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में इस तरह का भी होता है कि नहीं बेटा तुम तो बेटी हो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं अब तुम्हारी शादी हो गई, अपने हस्बैंड से कहती हैं अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ का जो सिलसिला है ये कभी कभी मेरी समझ से बाहर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, हम ज़िंदगी जिए क्यों नहीं, हम कहते हैं यार हम ये रिश्ता निभा लेंगे, निभाएं क्यों, हम जिए क्यों नहीं, हम खुश क्यों ना हों उस रिश्ते में। आज इस बारे में बात करेंगे, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बार बार हमारे शो पे आ चुकी हैं, एक शानदार वकील है हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया दाऊद। सादिया कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आधी बात तो मैंने वहीं कर दी। कैसी सादिया, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सादिया, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो शरह है डिवोर्स की, तलाक की जी। और कहा जाता है कि द ओनली लॉफुल थिंग डिसलाइक बाय अल्लाह, एक वाहिद कानूनी चीज़, एक लॉफुल चीज़ जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है वो तलाक है। बेशक। आप मुझे बताएं इसकी शरह क्यों बढ़ती जा रही है? अच्छा, पहले तो हम इस चीज़ पर डिस्कस कर लें, इस वक्त पाकिस्तान में 58% गैलप का सर्वे है, 58% रेशो इंक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज़ हुआ, बढ़ गया? जी बिल्कुल, 58% एक अच्छा खासा रेशो। अच्छा खासा रेशो, हमारी इट्स मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी को डैमेज किया जा रहा है, हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ डैमेज हो रही है, फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है, जो कि हमारी पहचान थी ईस्टर्न लोगों की। वेस्टर्न लोग इस चीज़ के लिए तड़पते थे, तरसते थे, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल लाइफ गुजारते थे, उनके बच्चों को सिंगल रहने की वजह से अपने लिए स्पाउस भी खुद ही ढूंढने होते थे, सारा काम खुद करना होता था। हमारे पास फैमिली सिस्टम से जिसको अब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक स्टेज तक आ गया है। बिल्कुल ठीक है, इसमें बेसिकली हमें ज़रूरत है इस वक्त कि लोगों की जो है उनको एजुकेट किया जाए, उनकी तरबियत अच्छी हो, आने वाली जनरेशन की तरबियत अच्छी हो, वरना ये चीज़ बहुत हद तक वर्स्ट हो सकती है। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन डजंट मीन कि आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री या कोई और बड़ी डिग्रीज हासिल कर ली। सॉरी टू से, मैंने बहुत डिग्री होल्डर्स को देखा है कि डिग्री तो होती है पर इल्म नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, और ज़्यादा इल्म भी इंसान के लिए मुश्किल कर देता है, कि अगर ज़्यादा इल्म है आलिम के पास तो वो तकब्बुर का बाइस होता है। और फिर मुझे लगता है सादिया कि आपको हम ख्याल लोग नहीं मिल पाते,
लाइक माइंडेड लोग जब आपको इसको ज़्यादा ही पता होता है तो फिर आपको लगता है मेरा तो भाई बड़ा लेवल है, मैं इससे क्या बात करूँ। लेवल मैच करने की कोशिश में उनके टाइमिंग्स भी आउट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ये कि अगर एक आपको अच्छा हस्बैंड मिल गया है, वो हर तरीके से आपकी केयर कर रहा है, आप कहती हैं नहीं मैं तो इतने अच्छे लेवल की स्टूडेंट थी, मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं, मैं एक अच्छे वालिद की बेटी हूँ, मेरे फादर अच्छा इनकम थे, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय आप अपने ही रिलेशन को ख़राब कर रही हैं। आपको एक अच्छा शौहर मिला है जो आपकी केयर करता है, आपको टाइम पे आपकी तमाम नीड्स को प्रोवाइड कर रहा है, आपकी नीड्स जो है फुलफ़िल हो रही हैं, उसके बाद आप फैंटेसी वर्ल्ड की वजह से अपने घरों को ख़राब ना मत कीजिए, बिल्कुल मत ख़राब कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम तो उस कौम में से हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल सही बात करी जो आप कह रही है ना कि जो हमारा फैमिली सिस्टम तोड़ा जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। कभी आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि जितनी भी हम अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं या पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखते हैं, उसके अंदर एक हीरो होता है जिसके ज़्यादातर माँ बाप नहीं होते, या हीरोइन होती है उसकी बस एक बहन या एक माँ होती है, उनका रोमांस होता है दो लोगों का और वो अकेले रहते हैं। जबकि अगर आप हमारे ड्रामे देखें जिनमें हम लोग काम करते हैं, हमारे सीरियल देखें, उनमें पूरी पूरी फैमिलीज हम लोग दिखाते हैं। बिल्कुल अपने ड्रामों में हमारी दादी भी होती है ड्रामे में, अम्मी भी होती हैं, अब्बा भी होते हैं, बहन भाई साला समझा एक पूरी फैमिली होती है जिसको हम लोग अपने ड्रामों में दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली सिस्टम प्रमोट करते हैं, हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम अपने ड्रामों में प्रमोट करते हैं। और अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मूवी देखें उसमें 98% या 97% सोलो लीड्स होते हैं, दो लोगों की कहानी होती है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता और वो किसी ट्रेजेडी से गुजरे हुए होते हैं, व्हाटएवर जो चीज़ होती है। मुझे एक बात बता सादिया, ये जो डिवोर्स है ये ज़्यादातर लोग किस एज ग्रुप में आके लेते हैं, शादी के कितने साल बाद, जिस तरह आप डील करती हैं इस तरह के केसेस में, कि शादी के कितने साल बाद आप अमूमन देखती हैं कि लोग दे फाइल फॉर डिवोर्स? देखिए इनिशियल जो 5 years होते हैं वो टफ टाइम होता है, शुरू के 5 साल। जी बिल्कुल, देखिए जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं ना तो आपको इनिशियली टीचर को समझना है, उस एजुकेशन सिस्टम को समझना है, कोर्स आउटलाइन को समझना है, ठीक। तो आप डेस्परेट होते हैं, अगर जब आप शादी के लिए जा रहे होते हैं तो आपकी कोई प्लानिंग्स नहीं होती, कोई प्रिपरेशंस नहीं होती हैं, आप जा रहे हैं आप एक फैंटेसी लेके जा रहे हैं कि मैंने जो देखा है फिल्म में वही मेरे साथ भी होगा, मैं इतने कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे तैयार होंगी, मैं ये करूंगी, हस्बैंड आएंगे वो खेलते हंसते खेलते आएंगे ऑफिस से, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी ऑफिस के अंदर, ऑफिस भी बहुत अच्छा प्यारा सा होगा, मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की आदत होती है। जबकि हम अगर पिछले अदवार के बारे में रिसर्च स्टडी करें तो वो एक चीज़ों से गुजरे करते थे, उनके दादा दादी नाना नानी बड़े लोग उनको समझाया करते थे कि बेटा ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, आपने उसको इस तरीके से ओवरकम करना है, आपके साथ ये इशू होगा तो आप ये मसले का हल कीजिएगा, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग थे। बिल्कुल सही बात है। आज हम सेपरेट बैठे हैं, हमारे लिए हमारे बड़े बुजुर्ग गूगल हो चुका है, सामने वालिद बैठे हैं, सामने वालदा बैठी हैं, दादी बैठी हैं, आप गूगल पे सर्चिंग कर रहे होते हैं, जबकि सामने प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर बैठा है, बिल्कुल तजुर्बा बैठा है, तजुर्बे से आप बिल्कुल कोई भी चीज़ चैलेंज, तजुर्बे को कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, किसी के भी तजुर्बे को फॉर दैट मैटर। बिल्कुल, आपको लगता है कि शादी के दिन जो डिवोर्स फाइल होती है, जो लोग आते हैं कि यार हमारी नहीं निभ रही या नहीं बन रही, वो शादी के शुरू के सालों में आप कह रही आते हैं? देखिए शुरू के सालों में ज़्यादा रेशो है, आते हैं वो किसी भी वक्त हैं, ठीक है, शैतान किसी भी वक्त किसी पर भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ इंसान है वहाँ शैतान है, ठीक है, अब वो किस वक्त गलबा पालेगा आप पे, यू नेवर नो। अच्छा शादी कभी ऐसा होता है कि देखिए आप खुद एक खातून है, कभी कभी आप ये केसेस देखती हैं और कभी कभी आपको ये एहसास होता है कि कितनी स्टूपिड बात पे अपना पूरा घर जिंदगी खराब कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जिसके ऊपर सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि आर्बिट्रेशन हो जाए, किसी तरीके से आप अपने घर वापस, मतलब है कि सालिस बन जाएं आप, ताकि आप लोगों के दरमियान जो एक रिलेशन खराब हो रहा है सुलह हो जाए उसमें। जबरदस्त, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सीमा नजर की कॉल। कैसी हैं सीमा आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सीमा आज हमारे साथ सादिया दाऊद मौजूद है, एक बड़ी जबरदस्त लॉयर, और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके ख्याल से ये जो डिवोर्स है ये क्यों आजकल जो शराह है इसकी बढ़ती चली जा रही है, तलाकें क्यों हो रही हैं आजकल? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि मिसमैच भी हो जाते हैं बहुत सारी शादियां जो होती हैं, इसमें भी होता है, दूसरे ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तीसरे ये होता है कि आजकल की लड़कियां या लड़के इंडिविजुअल बहुत चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हम अलग हो जाएं, हम ये नहीं करें,
उसमें यह होता क्लैश हो जाता है अगर फैमिली आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हो तो उसमें वो क्लैश कर देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, लड़की कहती है भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, या लड़का कहता है यार मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ. तो इस तरह की भी बातें होती है, लेकिन ये सबसे बेसिक चीज जो होती है शादी में वो होती है अंडरस्टैंडिंग. बिल्कुल इज्जत, बिल्कुल एक दूसरे से आप इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें तो सब कुछ सही हो जाता है. अच्छा यहाँ पे यही चीज नहीं रहेगी तो बता दिए बताएं कि कैसे आपकी शादी चल सकती है. बिल्कुल सही बात है. मुझे आप शादी शुदा है? Yes, of course. आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात पे होते हैं आपके हस्बैंड से, अगर कभी होते हो कॉन्फ्लिक्ट्स तो? मेरी छोटी छोटी सी बातों में भी हो जाती है और कभी नहीं होती है, लेकिन बेसिक है वो यही होता है कि कभी बच्चों के मामले में ही ज्यादातर हो जाती है. शादी के बाद तो आपको पता है हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वो भी खास तौर पर लेडीज को. अब ये लोग कहते हैं नहीं भाई आजकल लड़कियां पढ़ गई हैं, अपनी जॉब्स कर रही हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना चाहिए. बिल्कुल ये नहीं कि लड़की कर रही है और लड़का आराम से कह रहा है कि नहीं भाई हम तो गुलाम है, तो हस्बैंड भाई मैं क्यों करूं. नहीं, दिस इज नॉट गुड. अगर आपको रिलेशन लेके चलना है तो दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग से चलना पड़ेगा. अच्छा एक बस सवाल है आपसे छोटा सा, आपको 100% ऑनेस्टी से जवाब देना है, क्या आप अपने हस्बैंड का फोन चेक करती हैं? आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताएं, क्या आप अपने हस्बैंड का फोन चेक करती हैं या नहीं? नो, नहीं करती. ऑनेस्टली उन्होंने भी मेरा कभी चेक नहीं किया. अच्छा लेकिन लेकिन मुझे बाबा कभी कभी जुस्तजू तो होती है ना कि पता करूं क्या चल रहा है. अरे यार वो जब सब जब सामने है, सब कुछ हम देख रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, तब हम क्या चेक कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त. बहुत सवाल पूछा कि क्या आप अपने हस्बैंड का फोन चेक कर दी, तो पीछे शेफ मुनीजा ने जिस तरह से एक भंगड़ा डाला, काश मैं आप लोगों को कॉल के बीच में दिखा सकता कि शेफ मुनीजा तो मास्टर है फोन चेक करने की. देखिए इनसे एक सवाल आप पूछना भूल गए, क्या क्या आपके हस्बैंड के फोन पे लॉक लगा हुआ है या नहीं? मुझे लगा हुआ ही होगा. तो फिर वो कैसे चेक करेंगे? क्या मतलब, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल बहुत खवातीन आजकल की तेज है, उनको पता चल जाता है पासवर्ड. आप करती हैं चेक अपने? हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ, रात को जब वो सो जाते हैं उसके बाद करती. सुने आप मत सुनिएगा. बाकी आप चेक करती हैं? बिल्कुल करती हूँ. छुप के? छुप के, जब सो जाते हैं ना उसके बाद करती हूँ. आप क्या चेक करती हैं? क्या क्या चेक? मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, सब चेक करती हूँ. अच्छा मैं आपको एक बड़े मजे की बात ही बताता हूँ. मैंने एक दफा ना अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा सुनो मेरा फोन चेक करके मतलब कुछ है ही नहीं, तुम क्या कहती? नहीं मैं आपकी चैट आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ चेक करती. वेरी गुड. और आपको पता पकड़े वहीं से जाते हैं, जो दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं. जब आप दोस्तों से बातें कर रहे हो तो वही फंसते हैं. हाँ मैं अपने हस्बैंड की जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना वो भी चेक करती. देखा मैं यही निकलवाना चाह रहा था. ये आपको ये गलत काम कर रही है, आपको मैं एक और इदारे में भर्ती कराता हूँ. शेफ मुनीर साहब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए मैंने जो सुना है कि आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो बुड्ढा क्यों ना हो जाए. सादिया क्या कहेंगे इस बारे में बताएं? देखिए बीइंग अ फीमेल तो मैं आप साथ दे रही हूँ? नहीं नहीं मैं एक न्यूट्रल बात करूंगी. जो मेरे पास लोग आते हैं जो मैं देख रही हूँ इशू, वो ये है कि आप खिलाए शेर जो है ना सोने का निवाला, देखें शेर की निगाह से. देखा ये बात आज साबित हो गई, सारी खवातीन एक होती, ऑल वुमेन आर वन. ये बात आज साबित हो गई, आपने शेफ मुनीजा का ही साथ दिया. नहीं देखिए आजकल इन्होंने तमाम खवातीन का साथ दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से डिवोर्सेस रेशो बढ़ रहे हैं. देखिए मुझे बताएं सादिया, एज ए फीमेल, एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये जो तलाक का सिस्टम होता है. अभी हम लोग ब्रेक में सादिया आई थी तो मैं ऐसी एक प्री मीटिंग करते हैं, ऑफकोर्स ऑनर जाने से पहले सादिया ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे पास कोई तलाक के केसेस आए, मैं नहीं चाहती तलाक हो, मैं नहीं चाहती कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो प्लीज़ मेरे पास है, आई एम रेडी देयर टू सॉल्व इट. लेकिन साथ ही मुझे आप ये बात बताएं, कभी कभी जिस तरह मैं अभी आपसे कह रहा था कि कुछ स्टूपिड एब्जर्ड बात पे लोगों के तलाकें हो जाती हैं या वो इस तरह के फैसले ले लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह क्या होती है आपके ख्याल से? बहुत सारी वजूहात हैं. पहले तो देखिए हमारे इस्लाम ने हमें कहा है कि लेडीज़ को एक पूरा एक जीने का तरीका सिखाया है. बिल्कुल ठीक है. आपको अपने आप को भी ध्यान रखना होता है, फैमिली को भी ध्यान रखना होता है. बाज़ वक़्त आप फैमिली को देखने के चक्कर में अपने आप को छोड़ देती है, बच्चों को देखने के चक्कर में, अम्मी को, बच्चों को देखना है, इसको देखना है, उसको देखना है, अपना ख्याल करना छोड़ दिया.
या हस्बैंड अगर आपके पास आपको मिल गए, आपको ये दिमाग में कि ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो है ही मेरे लिए, या फिर इसमें कोई गट्स ही नहीं आगे जाने के, इनको कौन पूछेगा? आपको नहीं पता होता कि आँख में से सुरमा कब चुराया जाता है। कितनी सही बात है, ठीक है ना। तो बात उनकी भी सही है कि विजिलेंट रहना चाहिए, ट्रस्ट आप रखें, हस्बैंड भी अपनी वाइफ पे ट्रस्ट रखें कि उन्होंने बच्चों को ज़ाहिर है पालना है, बड़ा करना है, होम मेकर्स है भाई, घर का पूरा निज़ाम चलाना होता है खवातीन को। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो सकता है बाहर का माशरा उनको गलत कर दे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, अच्छी तरबियत के होते हैं, मगर वो टिकटॉक देख के, पबजी के ऊपर खेल के कुछ चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जिसकी वजह से वो बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। टिकटॉक ने तो बहुत बेराह रवि को प्रमोट किया। शबरी साहब टिकटॉक पे हैं मौजूद? मैं हूँ तो, लेकिन मुझे यकीन था इस बात का, तो इस पे बैंक बजा दे, ये मुझे यकीन था शेफ मुनीजा और टिकटॉक पे ना। शेफ मुनीजा ने एक बड़ी मज़े की बात की थी मुझसे हम लोग की, जब हम लोगों ने शो करना शुरू किया ऐसे हम बात करते कि आप पहले भी आई थी और हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। शबरीजा का भाई शादी के बाद भी मैंने सोचा था हस्बैंड को खिला खिला के मोटा कर दूंगी, कोई देखे ही ना उसकी तरफ, एक ये भी सोच होती है, देखिए जरा इस बात पे कितनी नाजा है हमारी बहन, ये देखिए वाह क्या बात है, कितनी नाजा, कितनी खुश है इस बात पे। लेकिन मुझे पता है सादिया आप ये सुनती है इस तरह की बातें अपनी सहेलियों से या अड़ोस पड़ोस में किसी से कि भाई खिला खिला के मोटा कर दो, कोई ना देखे इसकी तरह? बाद अवकात तो जो खिला के मोटा करती है तो वो मोटा पसंद आ जाता है किसी को। ये बात वैसे बात तो सही है, है ना, है ना। देखिए पसंद, अच्छा सब छोड़ें, आप बताएं आपका फोन कोई चेक करता है? सॉरी क्या कह रही? मेरा फोन कोई चेक करता है? मेरे कौन सा फोन? देखिए आप बता रहे हैं खुद ही कि कौन सा फोन। आपका सवाल गलत है, आप पूछिए कौन सी सिम चेक होती है आपकी। ये देखिए वकील, वो वकील ये है, वकील बोला यहाँ पे। सुने आप थोड़ी सी क्लासेस मुझे दे के जाइएगा आज, हमारी आपके लिए। मुझे तो लग रहा है आपको क्लासेस देनी चाहिए सादिया को, कि वो तो लीगल काम कर रही है, आप जो इलीगल चीजें कर रही है ना वो पकड़ी जाए ताकि। लेकिन सादिया कभी ऐसा होता है कि आप कोई फैमिली देखती है, ऑफ कोर्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप एक खातून है, आपका दिल टूटा होगा बहुत बुरी तरह से कोई केस देख के, कुछ देख के आ रही है? बहुत सारे केसेस में हमारा दिल खराब होता है। अच्छा। एक लड़की है, वो एक अच्छी है, प्रिटी है, अच्छी एजुकेशन है, फैमिली है, सब कुछ है। अब एक लड़का है, अपने पेरेंट्स के काबू में नहीं आ रहा, वो किसी ऐसी खातून के साथ जो है इंगेज हो चुका है जो उसके पेरेंट्स पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई उनमें प्रॉब्लम है, तो वो जाती है उनकी मदर, वो अच्छे घरानों की लड़कियाँ शादी करके ले आती हैं, मगर जब उनके साथ वही हस्बैंड एक अजीब सा बिहेवियर करता है, वायलेंस भी होता है, मगर वो मेंटल टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, पढ़े लिखे मर्द होते हैं, वो इस तरीके से उन लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वो लड़कियां जब हमारे पास आती हैं अपने लिए खुला के लिए या डिवोर्स के लिए, तो लिटरली जब उनका अगर आप खुलिया देखें तो आपका दिल दहल जाए, वो अपने सेंसेस में नहीं होती, वो जो बात कर रही होती हैं वो उनको ये नहीं पता होता कि वो बता क्या रही हैं, वो तड़प रही होती हैं, उनके साथ जो जुल्म होते हैं, जो वायलेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे एक मर्द करता है उनके साथ, जब वो बता रही होती हैं तो लिटरली दिल हिल जाता है कि जिसने किया है उसे ये खौफ खुदा नहीं है कि मुझे भी कब्र में जाना है, बेशक कल को मेरी भी बहन बेटी इसी लेवल पे आके खड़ी हो सकती है। पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आप यहाँ बात करें हस्बैंड और वाइफ, अक्सर इर्द गिर्द के लोग भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में। मेजर मैं कहती हूँ मेजर रोल इर्द गिर्द के लोगों का होता है, हस्बैंड वाइफ का तो बहुत कम ही होता है। तो क्या आप इर्द-गिर्द के लोगों में आपकी मुराद किससे? इन लॉज हो गए, इन-लॉज भी प्लीज उर्दू में बताएं। सास देखा क्योंकि सास भी ये आज सारा मसला देखे सास से शुरू हो। गैलप का सर्वे है 20-30% तक जो इन लॉज इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब जरूरी नहीं कि सास नंद हो, आजकल जो है लड़कियों की वालदाएं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लड़कियों की वालदाएं जी। मैंने बोला था सास नंद, लड़के की भी सास नंद हो सकती है लड़की। लेकिन नहीं शेफ़ुनी साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह की अभी बात सादिया कर रही थी कि वो जो जिन पे जिन लड़कियों पे वायलेंस होता है या जिनको मारा पीटा जाता है, ऑफकोर्स ये सुन सुन के जो लड़कियों की वालदा है उनको एक्टिव होना पड़ा है, ऐसी थोड़ी कि वो एक आपने इस तरह के केसेस देखे और किस कितने केसेस हमारे सामने आए, आप सोचें मतलब लोग लिटरली जानवर बन जाते हैं औरों की बेटियों के साथ शादी के बाद, तो ऑफ कोर्स ये केसेस सुन सुन के जो वालदैन है मुझे लगता है कि एक जो एक वालदैन होते हैं वो कभी भी अपने बच्चे को वो बड़ा तसव्वुर ही नहीं कर पाते, उनके लिए वो जितना बच्चा बड़ा होता जाए उनकी नज़र में वो छोटा सा टॉडलर ही होता है। खवातीन और साथ हमारी ये गुफ्तगू जारी है, अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं अपने
थॉट्स हमसे शेयर करना चाहते हैं इस मामले में, सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आपसे मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और कुछ बैंग तो कर दे यार, जब ये अंडा कढ़ाई के चक्कर में आप सब लोग बिल्कुल ही नशे में आ गए। अभी कभी तो खा भी तो रोटी गई भी नहीं अंदर, और एकदम से एक गुनूद की छाई छा के खवातीन और हजरात हमारे साथ सादिया दाऊद मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर हैं। हम बात कर रहे हैं कि शरह डिवोर्स, तलाक की शरह हमारे मुल्क में क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी लॉफुल चीज़ है, कानूनी चीज़ है, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, वो तलाक है। एक रिश्ता है जिसमें दो सोल्स बनते हैं, दो जोड़े बनते हैं आसमानों पे, इस तरह कहा जाता है, और फिर किन वजूहात की बिना पे वो अलग हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे साथ इसी तरह एक कपल मौजूद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारे साथ मौजूद है रिदा आमिर, कैसे हैं रिदा आप? खैरियत से हैं। और सर आपका नाम? आमिर। आमिर अली, कैसे आमिर भाई? अलग अलग खैरियत से। अच्छा, हमारे साथ सादिया मौजूद हैं। सादिया एक ज़बरदस्त, हमारी बड़ी अच्छी बहन है और एक बड़ी ज़बरदस्त लॉयर है, क्योंकि यूजुअली डोमेस्टिक इश्यूज़ को सॉल्व करती हैं। आप मुझे बताएं आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर हमारी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए। ठीक है। और हमारे माशाल्लाह दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। ठीक है। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे एज यूजल औरतों के बड़े मसाइल होते हैं कि शक। ठीक है। हमारी लाइफ में जो पहली डिस्टर्बेंस आई है वो शक पे आई है, क्योंकि मैं मिसाल ऑफिस में काम करता हूँ, मैं घर आता हूँ तो ये मेरे मोबाइल चेक कर, पहले ये नहीं करती थी, पता नहीं अब इन्होंने क्यों मेरे मोबाइल चेक कर देगा, मोबाइल चेक कर रही है, भाई ये किसका मैसेज है, आप ऑफिस से लेट क्यों आ रहे हो। मिसाल यार ऑफिस, बंदा एक तो ऑफिस में इतनी सर खपा के दिमाग ख़राब करके आता है, वहाँ बॉस बॉस की सुनता है जी, घर आ गए अगर बीवी भी आ गए तो यही बॉस बन जाए कि आपको लेट क्यों हो गए, मैंने फ़ोन किया था आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया जी, तो फिर मसले तो शुरू होते हैं ना। मैंने उनको पचास, मैंने कहा मेरा ऐसा कोई मसले मसाइल चक्कर नहीं भाई, मैं घर तो पूरा टाइम दे रहा हूँ ना, कोई मसला तो नहीं है ना, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बच्चे माशाल्लाह कैरी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं इनको शक है। अच्छा, घर घर आप लोगों का अपना है, किराए का घर आपकी? सर मैं बताती हूँ, मेरा घर अपना है जी, इनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर शादी में जहेज के तौर पर दिया। अच्छा, ये कमाते नहीं है सही तौर पर, जो क्लर्क है ये जी, बच्चे दो हैं उनको मैं पाल लूँ, बच्चे पैदा कर लिए लेकिन ये देखते नहीं है, उनको लुक आफ्टर नहीं करता है, जब देखें मोबाइल पर लगे रहते हैं, देर से ऑफिस से आ रहे हैं घर पर, मतलब कोई केयरिंग नहीं करते, तो मैं क्या करूं? एक बार मैंने इनको देखा कि मोबाइल पे लगे हुए मसलसल किसी रजा नामी लड़के इसके साथ चैट वैट कर रहे हैं और उनको हंस हंस के बातें करें, एक दिन मैंने उनका नंबर निकाला और अपने मोबाइल से फ़ोन किया तो आगे किसी लड़की की आवाज़ थी, उसके बाद से फिर हमारा हम दोनों का रिलेशन इस तरह से हो गया, लड़ाई झगड़े। एक बार मुझे बताइए आपने कब इस बात को तशखीस की, इस बात की कितने शादी के कुछ 4-5 साल बाद मैंने देखा कि ये घर से ज़्यादा बाहर तवज्जो देने लगे, घर पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बच्चों को नहीं देख रहे, ना कोई सामान ला के दे रहे, हर वक्त मैं बच्चों के साथ जती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, भाई अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बस इसी वजह से मैंने भी वकील का कहा, मैं डाइवोर्स के लिए इनसे कहा कि आप मुझे छोड़ दें या मुझे रखें या आप फिर अपनी गर्लफ्रेंड। नहीं तो अब ये बताइए, बोरी बच्चे पाल रही है, भाई जॉब मैं कर रहा हूँ, मैं घर के पूरा खर्चा तो मैं नहीं दे रहा, घर दे रहा हूँ ना सारे खर्चा, मसले घर में कौन सी चीज़ें जो ये बोलती है मैं नहीं लाता जी, यही मसले होता है, मैं हर चीज़ लाता मुझे तवज्जो अच्छा, चाहिए, जबकि मैंने इनको घर पे सपोर्ट कर रही हूँ, घर पे घर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इनकी तवज्जो चाहिए, घर को देखें। लेकिन बहन एक बात बताएं, घर आपका है लेकिन जो घर के जो जितने भी बिल्स वगैरह है घर चला भाई साहब ने जी, मोस्टली ज्यादातर नहीं करते, मैं ही कर रही होती हूँ, देख रही हूँ, देते हैं पैसे क्या, मैं ही घर में कब, लेकिन आपकी इतनी इनकम है नहीं ना, जितनी भी है देखो औरत को उसी में इनकम में गुजारा करना चाहिए, ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश बाहर मैं इनके साथ गुजारा करूं, लेकिन मैं अच्छा वो गुजारे में और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम ये है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जी। अच्छा मुझे आमिर भाई आप एक बात ये बताएं, देखें ऑफ कोर्स सादिया आप एक बात इस बात में डेफिनेटली ऐड कर सकती है, देखिए जो रिश्ता होता है मर्द और औरत का, और हम एक अडल्ट सेवरी अडल्ट एक शो कर रहे हैं, इसमें फिजिकल अट्रैक्शन का बड़ा एक गहरा ऑफ कोर्स एक पहलू होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं पसंद करते हैं तो शादी होती है, ऐसा नहीं होता कि आप आंखों में पट्टी बांध के शादी कर लें, कुछ होता है। मुझे एक बात ही बताएं, आपको क्या अब ये पसंद नहीं रही, आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं रही रिश्ते में बाकी? मुझे ये बहुत पसंद थी, ये बात नहीं है, मैंने पसंद से ही शादी पसंद थी, मतलब अब नहीं है, नहीं होता क्या सर, 4 साल तक तो हमारी अच्छी लाइफ चल रही थी, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जब मैं ऑफिस से घर आया हूँ, ठीक है, ये फ़ोन पे लगी हैं, इनकी माशाल्लाह मेरी 2 साली हैं, 2 साले हैं,
ठीक है, जब देखो चार साल फोन पे लगी, अब मैं बैठा हूं, होता है तो घर में फोन पे लगे रहेंगे ना, बहन भाइयों से ही लगा रहेगा ना, कि आपसे आप तो मुझे तवज्जो देते हैं ना, आप तो रूम में आते हैं, घुस जाते हैं, दरवाजा बंद करके फोन पे, मैं एक घंटा बैठा हूं ये फोन पे लगी, इसको पता नहीं मैं ऑफिस से आके बैठा हूं, सुबह मैंने जाना होता है, अब इनकी वो अलार्म भी लगाती नहीं है, समझ ले मैं खुद उठ के ऑफिस में जाके नाश्ता करता हूँ, नाश्ता तक तो ये सुबह मुझे देती है। और ये आपने कब से घर में नाश्ता नहीं किया होगा सर? अब ये तकरीबन ये जब से शक हुआ है, बड़े हो जाए, बच्चों में माँ लगी रहेगी, उनके लंच वगैरह या स्कूल वगैरह भेजना हो तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, मैं इनको तवज्जो देती हूँ लेकिन ये खुद देखे। लेकिन मैंने मुझे एक बात बताया, जब आप बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ रही हैं या उनको भेज रही हैं तो आप साथ ही इनका नाश्ता वगैरह तो कर ही सकते हैं, लेकिन कम्प्रोमाइज़ कर लें कि मैं भी सारा दिन काम लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि बाहर जाके मुंह मारे, बाहर लड़कियों के साथ दोस्ती करें। अच्छा, लेकिन भाई, अच्छा आमिर भाई, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका किसी और से कोई ताल्लुक है, रिश्ता है, अंडरस्टैंडिंग? जी मैंने खुद देखा है इनके, इनके मोबाइल में देखे, इनकी तस्वीरें देखे, इनका टिकटॉक देखा, ये बना रहे हैं, उनके साथ घूम रहे फिरे, मुझे ले जाए, मैं भी इनकी बॉय गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, ठीक है तवज्जो दे रहे, लेकिन नहीं वो नहीं। आपने इनकी चैट में क्या पढ़ा, क्या 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 था? अगर आप पर्सनल इनकी टॉक है या मैं बता नहीं सकती लाइव? नहीं तो जब इतना कुछ बता दिया है, इतने लोग आ गए तो बता दो, वो भी बता दो भाई। तो अच्छा जब आपने पकड़ा तो आपकी फौरन लड़ाई हुई इनसे घर में? जी पहले मैंने इनसे पूछने की कोशिश की, इन्होंने टाल मटोल से काम लिया, बता ही नहीं रहे थे, बस मैंने इनकी गर्लफ्रेंड को फोन किया, मतलब मैंने दूसरे नंबर। लेकिन मुझे आपको ऑनेस्ट सी बात बताएं, घर में आप लोगों की लड़ाइयां इस मसले के बाद कितनी बढ़ गई? होती रहती है सर हमारी लड़ाइयां, ये जैसे इसने शक शुरू किया, मेरा कोई चक्कर नहीं था, ठीक है, चार साल तक कोई चक्कर नहीं था, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, इसके मसले अपने बहन भाइयों को इतना टाइम देने लग गई चार साल बाद कि फिर वही हिसाब है कि मर्द घर में आएगा, मुझे बताएं एक शोहर ही नहीं होता जिससे सारे दिन भर की थकान हर चीज का मसला मसाले शोहर से करें। मैं जाता हूं, मैं आऊं, मैं घर में हूं तो मेरी बीवी थोड़ा लिपस्टिक लगा के बैठी हुई, अच्छा मिसाल एक आपको समझ रहे ना, बिल्कुल दुपट्टे बांध के सर बांध के, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके बाहर गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर दें, बाहर मुंह मारना शुरू कर दें। मैंने मुंह नहीं मारा, आप खुद बोले आप मुझे कुछ शॉपिंग करवाने ले जाए, आप लोगों के झगड़े इस तरह घर में कब से 3 साल से चल रहे? कितने साल? तकरीबन 3 साल हुए जब से इनको वो शक। अच्छा और आप और आपके दो बच्चे भी हैं? दो है माशाल्लाह। और आप ये झगड़े वो बच्चे भी देख रहे होते हैं? वो बहुत ज्यादा। इस बारे में आप क्या कहेंगे बताएं, अब आप बताएं, आपके सामने पूरा मसला इन्वॉल्व, आपके ख्याल से कौन गलत है? देखिए दोनों की गलती है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो अपनी टोन को दुरुस्त करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है जो कि बचपन से सिखाई जाती है। अगर आपकी अम्मी आपको बोलती है कि बेटा पापा को उठ के सलाम करना है, मम्मी को सलाम करना है, तो वो रिस्पेक्ट सिखाती है। जिस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो आप ये सोचिए आपकी इस लड़ाई का इम्पैक्ट आपके बच्चों पर क्या पड़ रहा होगा। मैम जब दो रूम हो आवाज़ तो बच्चों को तक जाएगी ना। तो आपको भी मैं कहूँगी गलती आपकी भी है, जब इन्होंने बाहर जाना शुरू किया तो उस वक्त आपने नोटिस क्यों नहीं की वो चीज़ कि आप कहाँ लैक कर रही हैं, आपकी लैकिंग कहाँ है। जब चीज़ ख़राब होती है तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे उस बीमारी का पता लगा लें तो उसका इलाज आसान होता है, और अगर आप थोड़ा देर करती हैं तो फिर वो बीमारी नासूर बन जाती है। लेकिन मैम इनका कसूर है, क्यों बाहर जा रही हैं? उनको भी हम देखेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि इनका कसूर नहीं है। इनका मेरा कसूर आप बताएं कैसे? जब मैं रोज़ सुबह मुझे नहीं, मैं नाश्ता ऑफिस में करता था, मेरे ऑफिस में लेडीज देखें कोलीग भी है, ठीक है जी, वो भी ये फील करने लग गई। अक्सर वो कहती थी कि मसाले आमिर भाई आप आए हैं नाश्ता आप रोज इधर कर रहे हैं क्या, आपके क्या आमिर भाई चल रहे हैं? आमिर भाई सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे पता है कितने अरसे में आप आमिर भाई से आमिर तक का सफर तय करते हैं? ये तो एक मजाक की बात है सर, ये कुछ भी नहीं थे, मैंने ही इनको बनाया, इनको घर दिया, इस तरह से सपोर्ट किया कि घर के अंदर ये जो पॉइंट है ना, अभी 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 जो रजा नामी जिनका बात बता रही है वो वाकई में कोई खातून है जिनको आप पसंद करते हैं या क्या है? देखिए हाँ मैं बोलता हूँ कि वो मैंने लेडीज थी जिनका नाम मैंने जेंट्स से सेव किया, उसकी वजह ये उनसे मेरा कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, ठीक है, होता ये था जब से मैंने बता रहा हूँ ना ऑफिस में जाता था, उन्होंने भी फील करा जी, तो एक जस्ट उन्होंने अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनसे हो गई, और वो आपके अंदर बन गई। यार तुम नहीं बनोगी तो कोई तो हमदर्द बनेगा ना मेरा, तुम अगर घर में आपके साथ किया क्या, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपका ख्याल तो कर तो रही हूँ ना, हर चीज तो कर रही हूँ ना, प्रोवाइड घर तो दिया है ना, आपको घर के अंदर तो रखा हुआ है ना। सबसे बड़ी जो ये हर वक्त जो मुझे ये ताना देती है घर का ताना, अब आप बताओ एक मर्द के लिए कितनी बेसिक बहन। अभी आपने अभी शो में बैठे हुए भी आपने कुछ 8 दफा तो घर की बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखिए अगर मैं उनकी भी मैं साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ऑफकोर्स जब आपको एक टूटती हुई चीज़ बचानी होती है तो आप कोई ना कोई एक चीज़ तो तलाश करते हैं ना।
अगर घर नहीं होता तो वो बच्चों का आपको औरत ताना देगी कि यार मैं बच्चों की वजह से रोक रही हूँ या घर की वजह से रोक रही हूँ। ख़वातीन हज़रात, आमिर भाई और मिसेज़ आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल से ये मसला काफ़ी सारे घरों के अंदर अभी प्रवेल कर रहा होगा, बहुत सारी फैमिलीज़ को आप ऐसे जानते होंगे। सादिया हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त हम एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है तलाक, जो कि बहुत सारे घरों को तोड़ रही है। हमारे साथ आमिर साहब की फैमिली मौजूद है, मिसेज आमिर मौजूद है और इनका ये शिकवा है कि आमिर साहब का शिकवा है कि उनको ताने मिलते हैं, बेगम अटेंशन नहीं देती, और मिसेज आमिर का ये शिकवा है कि इनका अफेयर कहीं और चल रहा है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है बकौल मिसेज आमिर के ये खातून है, इनका नाम अनीसा है, राइट, वेलकम टू द शो अनीसा। इनका ये कहना है कि अनीसा का अफेयर चल रहा है आमिर साहब से, जिसके बारे में इसमें कितनी सच्चाई है या एक वाकई दोस्ती है पता करते हैं। अनीसा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल। वालेकुम सलाम। आप कब से जानती हैं आमिर भाई को? दो ढाई साल हो चुके हैं। दो ढाई साल से। अच्छा, क्या आप मुलाकात कैसे हुई आपकी? मैं ऑफिस में जॉब करती थी, आमिर भी ऑफिस में ही होते हैं, तो मुलाकात तो हमारी रोज ही होती थी यूजुअली, लेकिन फिर इंट्रैक्शन हमारा ऐसे हुआ कि जब कॉल करती हैं, मैं बात करते थे कि बहुत टेंशन में नज़र आते थे। मैंने इनसे टेंशन की वजह पूछी तो उन्होंने यही बताया कि बीवी जो है अटेंशन नहीं देती और हर वक्त ताना देती रहती है, अब मैके से बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन जो बीवियाँ मैका बसाती हैं ना, वो घर नहीं बसा सकती। तो ऐसे हमारी बातचीत बढ़ी, जब बातचीत बढ़ने लगी तो हमारी अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। तो अब 6 महीने से कुछ ऐसा हो रहा है कि आमिर सोच रहे हैं शादी करने का। आपसे? जी बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शोहर को ऐसे कहने की शादी करने की? इनका जो एक किसी और दूसरी औरत का घर बर्बाद करते हुए, औरत का घर बर्बाद कर रही है, उसके दो बच्चे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये जो आपकी शाउटिंग है ना, इसकी वजह से तुम्हारा मुंह लौट दूंगी अगर तुमने ऐसा किया। मसले का हल, लड़ाई झगड़ा, वो बात आप बिल्कुल लगी रहती है। यही वजह है। एक मिनट, एक मिनट, देखिए 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 देखिए, आप ये सर देख रहे हैं आप उनके साथ बैठ के मुझे 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 जी, आप बैठिए तो सही, आप बैठिए। यही चीजें जो ये घर में कर रहे होते हैं, ये लाइव देख रहे क्या कर रही है, तो ये घर में मेरा क्या हाल करती होगी जी? ये औरत मेरा घर पर बंद, जब मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे नहीं पता कि तुम होते वाले में तुम्हें स्टूडियो में घुसने नहीं देती। एक मिनट बैठे, आप बैठिए, एक बात सुनिए, एक सेकंड साथी बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेकिन अनीसा मुझे एक बार बहन, एक सेकंड अनीसा, आप मुझे एक बात ही बताएं, आपको ये डर नहीं लगता कि क्या पता कल को आमिर भाई आपको भी इस तरह छोड़ दे? आपको ये खौफ है? एक वजह बताऊं, क्योंकि मैंने इनकी कॉन्वर्सेशन सुनी है, जो बीवियां घर में ध्यान नहीं देती, खुद पे ध्यान नहीं देती, इन दी एंड शोहर उनसे अलग हो जाते हैं, तो वो घर पे खुद पे इनकी बच्चे, लेकिन लेकिन आप फैमिली की वजह से ध्यान नहीं। लेकिन लेकिन मुझे एक बात पता, मुझे मुझे जहां तक एक बात पता है, देखिए एक मर्द जो होता है वो अपने बच्चों से कभी डिटैच नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये दोनों अलहदा होते हैं तो बच्चे किसके पास जाएंगे? आमिर भाई आप रह सकते हो, आपने किसी औरतों का ख्याल नहीं होता, ये ऑफिस में आशिकी मोशिकी करती हैं, घूमती फिरती हैं, पैसा लुटाती हैं, मेरा पैसा तुम लुटा रहे हो इसी वजह से, कौन सी दबाने, तुम इसमें लुटा रहे थे मुझे, लगे आपके हाथ में ज्यादा दबा के। देखिए मुझे एक बात, आप बच्चों को तुम लेके जा रहे हो, ज्यादा शोर मत करो तुम भी, अब कैसे आराम से बैठे थे, शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही अब शर्म। लेकिन आमिर भाई आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा, आपके बच्चों पे इस चीज का क्या असर पड़ता होगा आपके ख्याल में? जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं बताऊं उससे बुरा असर नहीं पड़ता, 24 घंटे इनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं,
उससे बच्चों को बुरा असर पड़ता है, ये बच्चे देख नहीं रहे, तुम्हारी वजह से रहे, क्यों मैसेज करती हो? इसकी वजह से नहीं था, ये चार साल पहले सही घर चल रहा था ना, तुम्हारे शक की वजह से सब कुछ आज हुआ। मैंने इनके साथ नहीं रहना, या तो ये लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको एक सेकंड, मुझे एक बात, आपको आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है आमिर भाई? कुछ अट्रैक्ट नहीं करता, देखिए अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक बंदे का, एक जो बंदा जैसे ये बकौल इनके कि इनकी बीवी इन पर बहुत जुल्म करती है, इन पर हाथ भी उठाती है, इनको मारपीट करती है। क्या ये सच है आमिर भाई, हाथ उठाती है? मुझे बताया ये, इन्होंने कह दिया, मैं बताना नहीं चाह रहा, वरना ये मर्द मार्द औरत है। आप देखिए, आप एक लॉयर है, देखिए हमारे सादिया एक लॉयर है, आप लीगली इस केस को किस तरह सॉल्व करेंगे? आप ये देख रही हैं इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है? ये जो खातून है अनीसा, ठीक है, वो एक शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर, उनके लिए उनके दिल में जगह है, आप साथ रहते हैं, और जब साथ काम करते तो जरूरी नहीं कि कोई रोमांस हो, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी भी होती है, रिश्ता एक दोस्ती का भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। आप हमारी बहन को भी देख रही हैं, ये किस तरह इस वक्त कर रही हैं, आप लीगली इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं? देखिए सबसे पहले तो मैं आर्बिट्रेशन में आपसे ये बात कहूंगी कि प्लीज अपने लहजे को बेहतर करें। मैम कैसे लहजा सही करूं, जब ये रोज इसी तरह की हरकत करेंगे तो कैसे लहजा सही करूं? जब पानी गर्म हो रहा होता है तो तेज आंच करेंगी तो पानी नीचे जाके बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है? मैम अभी इनको दोनों को उठाए या तो ये रहे कि मैं अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, दोनों एक साथ। पहले आप मेरी बात को समझिए, पहले मेरी बात को समझिए, हमारे आप मुसलमान हैं, हमें इस्लाम में हुक्म है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा उस वक्त खामोश हो जाए, बिल्कुल सही, ठीक है? अगर उनको गुस्सा है तो आप खामोश हो जाइए, आपको गुस्सा है तो वो खामोश हो जाइए। मेरी खामोशी थी जो आज चार साल सर जी आप ना बोले बीच में, क्योंकि अगर किसी की वजह से वो आपका बच्चे देख रही है, आपका घर देख रही है, सारी चीजें देख रही है, इसका मतलब ये कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएंगे, आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, तो आप उनको हेल्प आउट करने के बजाय आप घर में आके ये कह रहे हैं कि मैंने कमा के कर दिया तो सब कुछ कर दिया। रिलेशनशिप किस लिए होता है? कमाना अगर है तो भाई भी कमा के लाता है, बाप भी कमा के लाता है, ठीक है ना? लेडी खुद भी कमा सकती है, एक साथ चलना, आपको एक रिलेशनशिप गाड़ी के दो पहियों के बराबर होते हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको मैं बात बता रहा हूं, आमिर भाई की अगर मैं साइड से बात करता हूं, देखिए एक मर्द होता है उसको हमेशा केयर की और तवज्जो की जरूरत होती है, मर्द को भी। अगर हमारी बहन इस वक्त कह रही है कि ये तवज्जो नहीं दे रहे तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये तवज्जो वहां नहीं दे रही, दोनों की नेगलिजेंस, वो भूखे प्यासे दफ्तर जा रहे हैं। और देखिए एक आदमी, मुझे ऐसा लगता है एक आदमी हर रिश्ते में माँ को तलाश करता है, माँ वाली केयर, और हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जो माएँ हैं वो अपने बेटों को हमेशा इतना ज्यादा अपने पर डिपेंडेंट कर देती हैं कि वो बड़े होकर बीवियों में भी वही केयर ढूंढ रहे होते हैं। उनका कदम उठाने का भी जो मकसद है वो यही है, उनको वही केयर चाहिए जो प्रॉब्ली उनको अभी अनीसा से मिल रही है। आपने लैग किया है, आपने लैग किया है, आप अपने भाई को तवज्जो दे रही हैं, बहन को तवज्जो दे रही हैं, मोबाइल को तवज्जो दे रही हैं। शरीयत ये नहीं कहती कि आप जाके बाहर, शरीयत उन्हीं के लिए है, शरीयत आपके लिए नहीं है, शरीयत ये भी कहती है अगर बीवी काम करे तो शोहर हाथ, आप बात कीजिए, नहीं आप बात कीजिए उनसे, आप मुझे ये बताइए, देखिए शरीयत इजाजत देती है, आप खामोश रहिए, हमारा गलत अफेयर नहीं है, किसी का घर खराब कर रही है, देने का बोला ही नहीं, और शरीयत इजाजत देती है चार निकाह की, अगर एक बीवी मुझे क्या खराबी, मेरा घर है, लेकिन लेकिन शरीयत में तो सादिया प्लीज करेक्ट नहीं, शरीयत आप पहली बीवी की इजाजत तो जरूरी है ना दूसरी शादी के लिए, बिल्कुल इजाजत देती है, आपको कानून का पता है? बिल्कुल मुझे पता है, बताइए। शरीयत इजाजत देती है अगर बीवी इस काबिल नहीं, ख्याल नहीं रख सकती, बिल्कुल नहीं रखती है ख्याल, और जो बीवियां ये आप देख लें कहीं भी 24 घंटे अपने भाई बहनों से लगी रहती है, ज्यादातर ये मैके में पाई जाती है, इन्हें मौका कैसे मिला? ये मुझे डाइवोर्स, मैं नहीं चाहती, बच्चों का क्या होगा? मैं नहीं चाहती, आपको प्यार ही नहीं है। सुने सादिया कुछ कह रही है, सादिया की एक बार लीगल बात तो सुने, सादिया क्या कह रही है? खामोश रहेंगे तो मैं कुछ आपको, मैं डिवोर्स का कह ही नहीं रही, बच्चों का क्या होगा? पॉलीगैमी मैरिजेस अलाउड हैं, मगर उसके वजह है, अगर ये बीमार हैं या उनके कोई नीड फुलफिल नहीं कर सकती, उन्हें औलाद उनके पास मौजूद है, उन्होंने औलाद भी दे दी है, हर तरह का हंसता भस्ता वो घर था, ठीक है, आज आपकी वजह से वो किस नहज तक आ गया, मेरी वजह से नहीं, पहले घर आ चुका है, इनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। लेकिन आप क्या, अगर खुदा ना खास्ता ये शादी डिसॉल्व हो जाती है या आपसे ही शादी कर लेते हैं, आपको ऐसा एज अ वुमन, एक खातून के तौर पर ऐसा नहीं लगता कि ये जो दो बच्चे हैं घर में मासूम? मैं तो हमेशा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दिमाग होते हैं, वो इतने मासूम होते हैं, उनको तो देख के किसी का भी दिल कांप जाता है। और आप इतना एक मुश्किल स्टेप होता है बच्चों से अलहदा करना, माँ को या बाप करना चाह रहा है, मतलब आप इनके बच्चे पालने को तैयार हैं? नहीं, ये बीवी इनके साथ रहे, डिवोर्स देखे अच्छा, आप दूसरी बीवी के तौर पर रहना चाहते हैं? मैं इनको अलग घर लेके दे दूंगा,
वो तो आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे पा रही। अच्छा मुझे एक बात बताए, सिर्फ एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा सही हो जाए, आप क्या चाहते हैं? अब वो ऐसा क्या करे, हमारी बहन ऐसा क्या करे कि आप बिल्कुल पहले जैसी चीजें हो जाए? मैं नहीं रहना चाहती। नहीं देखें, आप भी इस तरह नहीं करें, आप भी अपने बच्चों को भी देखें। आपको दोनों को बच्चों की वेलफेयर का सोचना है। अच्छा भाई मैं आपको बता दूं, आपको बच्चे दुनिया में लाने ही नहीं चाहिए थे जब आप उनकी किफालत कर नहीं सकते। और बाकी कोई ड्यूटी साइन नहीं होती है। एक सेकंड में खामोशी, मैं आप लोगों से खामोशी की दरखास्त करो। खवातीन हज़रात, ये गुफ्तगु यहाँ जारी है, इसका हम पार्ट टू अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करेंगे। ये इतना पुराना इनका प्रॉब्लम है और इतना गंभीर प्रॉब्लम रहा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सादिया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। सादिया हमारी एक बहुत अच्छी बहन है और ये इस तरह के लीगल मसाइल सॉल्व करती हैं, शानदार लॉयल है सादिया दाऊद। अगर आपके घर में कोई मसला है तो आप यू कैन रीच आउट टू सादिया और ये मसला सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त बड़े हैवी हार्ट के साथ, क्योंकि मुझे हमेशा जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं मेरा दिल भर आता है। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं होते, इस मुल्क का, इस कौम का सरमाया है, आने वाला पाकिस्तान बच्चे हैं। अंडा कढ़ाई की जो रेसिपी है वो आपको यूट्यूब पे जैसे शो आने होगा उसमें प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त नहीं बचा कि आपको अंडा कढ़ाई बताएं। क्योंकि जी 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 बहनों से प्लीज़ खुदारा अपने ऊपर भी तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों पे, अपने घर पे तवज्जो दीजिए। बाकी दुनिया की चीज़ें, सोशल मीडिया, बहन के साथ क्या हो रहा है, भाई के साथ क्या हो रहा है, किसने उसको क्या कह दिया, पड़ोस में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़िए, अपने घर पे तवज्जो दीजिए। क्या ज़बरदस्त बात की है सादिया ने, बिल्कुल ये ज़रूर तवज्जो दें। वक्त की किल्लत की वजह से हमें इसका पार्ट टू करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।